नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आर्कियोलॉजी UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर CUET या फिर दोस्तों अदर जितने भी वेरियस आपके एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोस्तों, उनमें आर्कियोलॉजी से पूछे जाने वाले दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज की। जी दोस्तों, आज से हम दोस्तों आर्कियोलॉजी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs दोस्तों आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन्हीं की चर्चा दोस्तों हम आज से एक सीरीज के माध्यम से, जिसमें दोस्तों आपको डेली 10 ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उनकी जिस चर्चा और उसकी जो डिस्कशन है हम वीडियोस के माध्यम से आपके साथ लगातार करते रहेंगे। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर CUET या फिर दोस्तों कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि आर्कियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो चैनल पर बने रहें दोस्तों। और चैनल एकमात्र ऐसा चैनल दोस्तों जो कि आपको आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, गाइडलाइंस, आपको लाइव बैचेस, क्लासेस, ई नोट्स मटेरियल, PDF, मॉक टेस्ट, सभी प्रकार की दोस्तों जो सुविधाएं वो प्रोवाइड कराता है हमारा चैनल। तो चैनल पर बने रहे, आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेंगी। इसे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आर्कियोलॉजी से संबंधित किसी भी प्रकार की जो अपडेट है वो आपसे छूटने न पाए। चलते दोस्तों बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि डिगिंग ऑफ कैनाल बाई नंद किंग इज मेंशन्ड इन, मतलब कि दोस्तों नंद राजा के द्वारा नहर के खोदे जाने का जो प्रमाण है, जो उल्लेख है, यह कहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर चार इंस्क्रिप्शंस के, चार अभिलेखों के जो नाम है यहाँ पर दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया दोस्तों जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन फर्स्ट का नाम यहाँ पर दिया गया दोस्तों। वहीं पर दूसरा नाम दिया गया है एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन द्वितीय। तीसरा नाम दिया गया है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल। एंड फोर्थ नेम इस दिया गया यहाँ पे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिर भोज। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है दोस्तों, जब भी आप इस आंसर को देखें तो सिंपल सा इसका आंसर जो मैं बता दूं आपको दोस्तों, कि सबसे इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोस्तों जो आपका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन दोस्तों खारवेल का, इसमें नंद शासक के द्वारा जो नहर है उसके खोदे जाने का जो प्रमाण है, उसके निर्माण किए जाने का जो प्रमाण है, वह हमको यहाँ से प्राप्त होता है। अब न केवल आपको ये जानकारी होनी आवश्यक है, बल्कि इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अन्य जो इंस्क्रिप्शंस दिए हैं उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। एज एग्जाम्पल जिसे यहाँ पर दिया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन फर्स्ट। अब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किस लिए फेमस है, तो आप सभी जानते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में उल्लेख मिलता है हमको सुदर्शन झील के निर्माण का। जी हाँ दोस्तों, सुदर्शन झील दोस्तों जो कि मौर्य काल में जिस झील का निर्माण हुआ था, उसमें दोस्तों इस झील की मरम्मत, निर्माण, उसके जीर्णोद्धार के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है हमको सुदर्शन झील में देखने को मिलती है। वहीं पर जो एहोल इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, एहोल इंस्क्रिप्शन में जो पुलकेशिन द्वितीय, ये किसका इंस्क्रिप्शन दोस्तों, ये पुलकेशिन सेकेंड का दोस्तों आपका यह क्या है, यह आपका अभिलेख है चालुक्य शासक दोस्तों इसके बीच, और साथ में जो हर्षवर्धन है दोस्तों पुष्यभूति वंश का, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का दोस्तों, तो इस हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में दोस्तों जो आपका युद्ध हुआ था उसके बीच की जो जानकारी दोस्तों ये एहोल इंस्क्रिप्शन देता है। और इसी एहोल इंस्क्रिप्शन में दोस्तों दो बड़े नामों की चर्चा भी मिलती है। एक नाम है जिसमें दोस्तों आपका कालिदास, और दूसरा नाम है दोस्तों आपके भारवी। तो भारवी और कालिदास का भी उल्लेख दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और इस अभिलेख की जो रचना है, इसके रचनाकार कह लें, ऑथर का नाम कह लें, तो इसके रचनाकार हैं, ऑथर हैं आपके रवि कीर्ति। कौन है दोस्तों, रवि कीर्ति जो है दोस्तों इस अभिलेख जो है इसके रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हमने आपको हाथी गुम्फा अभिलेख की चर्चा की, हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों कहते हैं दोस्तों अभिलेख है, जिसमें बहुत सारे जो प्रमाण दोस्तों यह दिखाई देते हैं। अब दोस्तों इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख में ही दोस्तों हमको बहुत सारे जो प्रमाण है ये हमको प्राप्त होते हैं। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है दोस्तों जो कि हमको भारत के नाम के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रमाण दोस्तों यह हमें प्रदान करता है, क्योंकि दोस्तों जो इनका हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों, इसमें जो आपके भारतवर्ष दोस्तों शब्द है, इसका उल्लेख सबसे पहली बार यहीं पर देखने को मिलता है। भारत वर्ष जो शब्द है दोस्तों, इसका सबसे प्रथम उल्लेख जो है दोस्तों यहीं पर हमको इस
हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों सबसे पहली बार जो है उसके देखने को मिलता है। और इसी में जो खारवेल है उसके द्वारा जो रणविजय महल है उसके निर्माण का भी उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है दोस्तों यह अभिलेख है और हमको बहुत सारे प्रमाण जो है दोस्तों यह देखने को देता है, प्रदान कराता है। इसे दोस्तों जब भी आप इन चीजों को देखें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, और इन चीजों को आप अपने पॉइंट्स में अपने दिमाग में याद कर लें, क्योंकि लगातार दोस्तों इनसे जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं वह पूछे जाते रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो चीजें वो समझ में आ रही होंगी। यदि दोस्तों चीजों से आपको सहायता मिल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। और दोस्तों ये जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो हम आप चर्चा कर रहे हैं, इसी अभिलेख में दोस्तों सबसे पहली बार युद्धों में जो जहाजों के प्रयोग की सूचना है यह भी दोस्तों यहीं पर हमको देखने के इस अभिलेख में देखने को जो है दोस्तों वह प्राप्त होती है। दोस्तों ये अभिलेख कई प्रकार से महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ही चीजें दोस्तों आपको डिटेल के साथ जो है डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा वॉज बिल्ट ऑन द रेलिक्स ऑफ बुद्धाज फेमस डिसिप्लिस आप सारिपुत्रा एंड मोगदलाएं। मतलब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्तूप है दोस्तों जिसमें कि बुद्ध के जो प्रसिद्ध शिष्य है दोस्तों सारिपुत्र और मोगदलाएं दोस्तों उनके अवशेषों पर उनके स्तूपों का निर्माण किया गया है। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, सारनाथ स्तूप का, सांची स्तूप का, भरहुत स्तूप का और दोस्तों अमरावती स्तूप का। दोस्तों सभी स्तूप अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों। यदि इनमें सबसे प्राचीन स्तूप की मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो सबसे प्राचीनतम स्तूप है दोस्तों इसमें आपका भरहुत स्तूप दोस्तों इनमें सबसे प्राचीनतम स्तूप के रूप में जाना जाता है। जबकि दोस्तों आप सभी जानते हैं सारनाथ स्तूप में दोस्तों कई सारे स्तूप हैं, आपका धर्मराज का है, धम्मेख है, चौखंडी है, यहाँ पे हमको सारनाथ स्तूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों सांची स्तूप आप लोगों ने नाम जाना ही होगा, सुना ही होगा। और अमरावती दोस्तों ये अलंकृत अलंकरण के मामले में दोस्तों डेकोरेशन के मामले में ये काफी अच्छा हमको जो जानकारी दोस्तों ये स्तूप हमको प्रदान कराता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये है कि भैया ये जो आपका स्तूप है जिसपे कि आपका सारिपुत्र और मोगदलायन के प्रमाण की चर्चा मिलती है वह कौन सा स्तूप है दोस्तों, तो आपका है ऑप्शन नंबर बी अर्थात दोस्तों सांची स्तूप है दोस्तों, जिसका संबंध आपके मौर्य काल से दोस्तों, मौर्य काल में इस स्तूप का दोस्तों नींव रखा गया था, मौर्य काल में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में दोस्तों यहाँ पर अलग से जो रेलिंग वगैरह जो इसकी है, जो आपके तोरण गेट है दोस्तों, उनका निर्माण अलग कालों में जाकर हुआ। लेकिन दोस्तों ये सांची स्तूप दोस्तों दोस्तों आपके जो सारिपुत्र और मोगदलायन है उनके अवशेषों पर इनका जो है इस स्तूप का जो निर्माण है वह कराया गया था। अब दोस्तों जैसा कि हम जनरल सेंस में जानते हैं कि जो स्तूप हैं वह बौद्ध धर्म के ही संदर्भ में हमको प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बौद्ध धर्म के अलावे जैन धर्म में भी स्तूपों का प्रचलन रहा है दोस्तों, और ऐसे जैन धर्म के स्तूप के प्रमाण हमको कहाँ से मिले दोस्तों, तो इनके स्तूप के प्रमाण मिले हैं दोस्तों हमको मथुरा से। और मथुरा में दोस्तों एक स्थान है, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, कंकाली टीला का। जी दोस्तों जो कंकाली टीला है दोस्तों वहां से हमको जैन स्तूप के जो प्रमाण है दोस्तों यह हमको वहां से प्राप्त है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन एंसेस्टर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर चार आपके मानव के पूर्वजों के नाम दिए हैं, ह्यूमन एंसेस्टर्स के नाम दिए हैं, इनमें कौन पहले आया कौन बाद में आया दोस्तों, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नाम दिया गया रामापिथिकस का, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन अफ्रेंसिस का, दूसरा ड्रायोपिथिकस का, चौथा आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस एमेंसिस का। अब एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, जब हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मुख्यतः हमको कई सारे वैरायटी हालांकि देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः हम दो जानते, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रिकेनस और दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रेंसिस। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो नाम है वहां पे अफ्रेंसिस और दोस्तों आपका एनेमेंसिस दोनों के नाम दिए दोस्तों, इनमें कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसमें दोस्तों एक की जो खोज है रेमंड डॉट के द्वारा की गई है, दूसरा दोस्तों जो डोनाल्ड जॉनसन है उनके द्वारा की गई है। हमने इस पे दोस्तों आपको अलग से वीडियो बना के इस पे चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है, आप चाहें तो दोस्तों जो वो वीडियो है वहां पर जाकर देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों इसके सामने मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, इसका सही आंसर क्या होंगे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात दोस्तों
इनमें से सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका ड्रायोपिथेकस, उसके पश्चात दोस्तों आपका आएगा रामापिथेकस, जिसके प्रमाण हमको दोस्तों शिवालिक रीजन में, जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों जो शिवालिक क्षेत्र हिमालय का, वहां से उसके प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एनामेंसिस दोस्तों, और सबसे लास्ट में दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकेनस, जो दोस्तों इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जब भी हमने आपसे चर्चा की है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के संदर्भ में, बाकी अन्य पूर्वजों के संदर्भ में दोस्तों, तो हमने बहुत ही डिटेल में दोस्तों हम लोगों ने आपसे इन चीजों को बताने का प्रयास किया है, और हमने कोशिश की है कि आप इन चीजों को समझ पाए। क्योंकि दोस्तों 1925 में सबसे पहली बार जो रेमंड डार्ट दोस्तों, इनको जो दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल वाला इलाका है दोस्तों, जहाँ पे टोंग नामक एक स्थान है, उसको हम लोग इसी कारण दोस्तों जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष हैं, जो रिमेन्स हैं, जो फॉसिल है, उसको टोंग बेबी भी कहा जाता है। आप कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि जो टोंग बेबी है, जो आपका टोंग फॉसिल है, उसका संबंध किस मानव पूर्व से जोड़ा जाता है दोस्तों, तो जो टोंग बेबी है उसका संबंध आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जोड़ा जाता है दोस्तों। टोंग बेबी कह लें या फिर टोंग अवशेष कह लें, इसका प्रमाण दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जोड़ा जाता है। उसकी खोज दोस्तों आपके रेमंड डार्ट के द्वारा की गई थी दोस्तों, रेमंड डार्ट के द्वारा दोस्तों 1925 में दोस्तों की गई थी, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों। और इनको यहाँ से दोस्तों जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी, इसको इन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस दोस्तों कहा था। अब इसके साथ में दोस्तों अलग अलग समय में अलग अलग दोस्तों कई सारे नाम इनको दिए गए, जिनमें दोस्तों कि आप ये नाम जो है यहाँ पर देखने को आपको प्राप्त हो रहे हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न है दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों आपको मैच कराना है लिस्ट वन में। दोस्तों आपको यहाँ पर फैक्ट दिए दोस्तों, जो कि फैक्ट है दोस्तों आपको अलग अलग कालों के हैं दोस्तों, कुछ इसमें पुनः पुस्तकों के नाम दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो लिस्ट वन है दोस्तों, ये आपके बुक्स के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट टू है जो दोस्तों उनके ऑथर्स के जो नाम है वो आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। अब इनको क्या करना है दोस्तों, आपको मैचिंग कराना है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको इसकी बुक का नाम दिया गया है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, दूसरा रामायण और मिथ और रियलिटी, तीसरा द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं इनके लेखक का नाम, इसे बताने की आवश्यकता है नहीं। बी सुब्बा राव ने दोस्तों पर्सनालिटी ऑफ इंडिया जो है पुस्तक लिखा है, और इन्होंने देवनी मुरी जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों इसको भी एक्सकवेट करने का काम दोस्तों बी सुब्बा राव के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स ये पुस्तक है, इसको आपको क्या करना है, इसको मैचिंग कराना है। तो सी का दूसरा कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सी का दूसरा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है। बताएं भाई इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, साधारण सा है, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोस्तों जो आपका द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी एंड आर एल्चिन के द्वारा दोस्तों पुस्तक है यह लिखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों जो रामायण और मिथ और रियलिटी की बात करते दोस्तों, तो जो रामायण और मिथ एंड रियलिटी दोस्तों ये लिखा था आपके HD सांकलिया के द्वारा दोस्तों, जबकि दोस्तों ये जो आपका द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया है ये बी सुब्बा राव द्वारा लिखा गया था, और दोस्तों आपका एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स जो पुस्तक है दोस्तों ये लिखा था आपके SK N चक्रवर्ती के द्वारा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इसके पहले दोस्तों हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करें, जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि दोस्तों जो अभी आपने बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन को दोस्तों देखा, मैंने बुक्स के ऊपर दोस्तों एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, चैनल पे अपलोडेड है वो वीडियो, जिसमें आप जाएं उनको वॉच आउट करें और दोस्तों उससे संबंधित जानकारी को वहां पे प्राप्त करें। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेसोलिथिक साइट ऑफ गंगा वैली। ध्यान रखिएगा, इस आंसर को करने से पहले आपको ध्यान रखना है, ये बात कर रहा है कि कौन से गंगा वैली में स्थित मेसोलिथिक साइट नहीं है, मध्य पाषाणिक पुरास्थल नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं सराय नाहर राय के, दूसरा महदहा के, तीसरा बागोर के, एंड दोस्तों जो चौथा है दमदमा का। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए दोस्तों। बागोर पुरास्थल,
जिसकी दोस्तों अपर पैल्थिक साइट्स इसके प्रमाण हमको प्राप्त दोस्तों, जो बाकी आपका सराय नहर राय की बात कर रहे हैं, महदहा की बात कर रहे हैं दोस्तों, चाहे फिर आप दमदमा की बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी पुरातत्व दोस्तों मेसोलिथिक पेड़ से संबंधित है। इनके प्रमाण हमको जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र दोस्तों वहां से प्राप्त होता है। और दोस्तों इन सभी पुरास्थलों से जो मानव समाधान है ह्यूमन बरियर्स दोस्तों, इनके भी प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त हैं। और हमने इसके बारे में डिटेल में जो क्लास है आपकी मेसोलिथिक प्लेट की, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में कौन से लेयर से कौन से प्रमाण प्राप्त होते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का कार्य किसके द्वारा किया गया, एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, सब कुछ दोस्तों हम लोगों ने उस क्लास में डिस्कस किया है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, हु डिवाइज द कार्बन 14 डेटिंग मेथड, मतलब ये जो कार्बन 14 डेटिंग मेथड, ये किसके द्वारा दोस्तों जो है इसको शुरू किया गया था, इसका खोज किया गया था या इसका प्रचलन किया गया था। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए डेनियल, विलियर्ड एफ लिब्बी, के वी रमन या फिर के पी ओकले। तो बहुत सिंपल सा, इसमें किसी को आप बताने की आवश्यकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एफ विलियर्ड लिब्बी का दोस्तों 1949 में दोस्तों सबसे पहली बार जो है कार्बन 14 डेटिंग दोस्तों, जिसमें भी कार्बन की मात्रा दोस्तों मौजूद होती है, उसकी डेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल से जले हुए दाने हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा भी प्राप्त है दोस्तों जो कि जला हुआ है, उसकी भी डेटिंग इससे की जाती है। आप सभी जानते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में दो प्रकार की डेटिंग होती है, एक रिलेटिव डेटिंग, एक एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग दोस्तों रिलेटिव कंपेरिजन के हिसाब से उसकी डेटिंग निकाली जाती है, और वो डेटिंग दोस्तों आपकी सोलर डेटिंग में नहीं आती, अर्थात दोस्तों 100 वर्ष में किसी डेट में नहीं निकाली जाती, बल्कि किसी तुलना के आधार पर निकाली जाती है कि यदि कोई ए आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इतना साल पुराना है, तो यदि उसी के सिमिलरिटीज के हिसाब से, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कोई दूसरा हमको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स प्राप्त हो रहा है तो वो भी उतना ही पुराना होगा। तो ये जो कंपैरिजन है ये आपकी रिलेटिव डेटिंग होती है। हमने ऑलरेडी इस पे आपकी क्लास ले चुके हैं, ऑलरेडी इस पे वीडियोज हो चुकी हैं, आप चाहे तो उसको वॉच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम आते हैं आपकी एब्सोल्यूट डेटिंग में, तो एब्सोल्यूट डेटिंग में मैंने आपको बताया साइंटिफिक डेटिंग्स आती हैं, जैसे आपका पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड हो गया, आपका कार्बन 14 डेटिंग मेथड हो गया, आपका आर्गन पोटेशियम डेटिंग मेथड हो गया। हमने आपको सभी प्रकार की जो डेटिंग मेथडोलॉजी है सभी हमने आपको बताई है। इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है आपको आगे देखने को मिले भी, जो आपकी आर्गन पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसका प्रयोग हम ज्वालामुखी राख या फिर जो ज्वालामुखी के जमाव हैं उनकी डेटिंग के लिए हम उपयोग में करते हैं दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ज्वालामुखी राख के जो किए गए जमाव का सबसे पहला प्रमाण हमको ओल्डुवाई गार जबेली, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया क्षेत्र में स्थित वह पुरास्थल है, वहां से हमको सबसे पहली बार उसके प्रयोग किए जाने के प्रमाण है जो वहां से प्राप्त होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले सभी समय में। बस चैनल पर आप बने रहें दोस्तों, और आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर एज दे अपियर इन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से, कालानुक्रम के हिसाब से दोस्तों इनको क्या करना है, आपको क्रम करना है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। तो पहले यहाँ पर दिया दोस्तों इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब कि गहन कृषि, इंसिपिटेंट एग्रीकल्चर, मतलब कि दोस्तों जो शुरुआती कृषि है, तीसरा इंटेंसिव फॉर्जिंग, मतलब कि गहन जो है दोस्तों आपका फॉर्जिंग, मतलब घुमंतू जीवन कह ले एक प्रकार से, या खाद्य संग्राहक वाली स्थिति कह ले। पहला चौथा है दोस्तों इंटेंसिव हंटिंग, मतलब कि दोस्तों बहुत ज्यादा तरीके से ये भोजन को एकत्र करना, सॉरी शिकार करना जो दोस्तों यह ऑप्शन में दिया गया। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसको बताना है, इसको सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थ्री सबसे पहले नंबर पे होगा, उसके पश्चात दोस्तों हंटिंग दूसरे नंबर पे होगा, उसके पश्चात दोस्तों आपका एग्रीकल्चर दोस्तों इंसिपिटेंट, और सबसे लास्ट दोस्तों इंटेंसिव एग्रीकल्चर गहन कृषि दोस्तों सबसे लास्ट में आपको पता होता है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको इसका आंसर निकालना है दोस्तों, तो आपको जो पैलियोलिथिक से लेके दोस्तों जो आपके नियोलिथिक के बीच में जो मानव के जीवन का आधार रहा है, मानव के जीवन का जो समझ रहा है वो किस प्रकार से रहा है, आप उसको समझेंगे तो हो पाएगा। मानव दोस्तों सबसे पहले क्या करता था, मानव दोस्तों शिकार को एकत्र करता था, शिकार को एकत्र करने के लिए दोस्तों भोजन का संग्रहण करता था, फिर उसने शिकार करना शुरू किया, और शिकार करना शुरू किया दोस्तों तो उसने क्या किया कि भोजन
जब एकत्र होने लगा, शिकार करने लगा दोस्तों, तो उसने धीरे धीरे जो है दोस्तों एग्रीकल्चर जो है प्रारंभिक एग्रीकल्चर उसके तरफ कदम बढ़ाए, जो कि मेसोलिथिक फेज में हमको दिखाई देता है। जब लेटर मेसोलिथिक का फेज आता है दोस्तों, तो वहां से जो मानव है वहां पे धीरे धीरे जो है दोस्तों कृषि की तरफ बढ़ता है, और अंत जो आपका दोस्तों आपका जो नवपाषाण काल आता है उसमें हमको गहन कृषि के जो प्रमाण दोस्तों वह दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, बहुत सिंपल है, कोई आवश्यकता है नहीं दोस्तों ज्यादा बताने की इसमें। आप सभी जानते दोस्तों जो स्टेटिग्राफी का कॉन्सेप्ट है ये आर्कियोलॉजी का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि दोस्तों हम लोगों ने इसे जो जियोलॉजी है भूतत्व विज्ञान दोस्तों वहां से हम लोगों ने इसे ग्रहण किया है। और दोस्तों इसके दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो आपका ये स्ट्रेटिग्राफी दोस्तों यह किसके द्वारा दोस्तों जो है इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था, वहीं पर दोस्तों यदि हम इंडिया में प्रचलन की बात करें तो दोनों क्वेश्चंस बनते दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड में दोस्तों इसके प्रयोग में, पुरातत्व के प्रयोग में दोस्तों पिट रिवर्स का नाम लिया जाता है दोस्तों, वहीं पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों इसका नाम लिया जाता है सर मार्टिमर व्हीलर का। जी दोस्तों, सर मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों सबसे पहली बार इंडिया में जो आपका उत्खनन है उसमें सबसे पहली बार जो है इस स्टेटिग्राफी, जिसको हम लोग स्तरीकरण बोलते हैं हिंदी में, इनके प्रयोग का प्रचलन जो दोस्तों सर मार्टिमर व्हीलर द्वारा किया गया। जबकि विश्व के संदर्भ में उत्खनन में या फिर पुरातत्व के क्षेत्र में इसके प्रयोग की चर्चा दोस्तों आपके पिट रिवर्स द्वारा दोस्तों इसकी की गई। हमने आपको सभी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं कि स्तरीकरण क्या है, किस प्रकार से होती है। बाकी हमने आपको मैप बना के भी समझाया था कि वह लेयर जो कि आपकी भूमि के सबसे ऊपर होगा वह लेयर सबसे नया होगा, स्तर सबसे नया होगा, और जो भूमि के सबसे अंदर लेयर होगा वो सबसे क्या होगा, प्राचीन होगा। तो इसी हिसाब से आपके दोस्तों जिस इस लेयर जो सबसे जिस काल या फिर संस्कृति के प्रमाण मिलेंगे वह संस्कृति सबसे प्राचीन होगी, और ऊपरी लेयर से प्राप्त संस्कृति जो प्रमाण होगा यह सबसे नवीन होगा। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो संस्कृति की जो आपके गिनती है, जो आपकी काउंटिंग है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब आपकी 1 2 3 4, और जब हम लेयर की काउंटिंग करते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है 1 2 3 4 की तरफ। तो हमने सभी चीजें हमने आपको वहां पर वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आप चाहें तो दोस्तों उस वीडियो को वॉच आउट करें, देखें, लेकिन देखें दोस्तों वो आपकी जो वीडियोज है, जो क्लासेज है, वो आपके पेड बैच की क्लासेज है। हमने ऑलरेडी वहां पर आपको जो चीजें हैं वो डिस्कस की है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। द बादामी केव्स वर गॉट मेड बाय द चालुक्यास। वहीं पर दूसरा दिया दोस्तों आपके रीजन कि द रीजन वॉज अंडर द चालुक्यन रूल, मतलब कि दोस्तों जो बादामी केव है दोस्तों ये किसके अंडर, किसके द्वारा निर्माण कराया गया दोस्तों, तो चालुक्यों द्वारा निर्माण कराया गया। तो रीजन यहाँ पर दिया गया दोस्तों इसका कि वो जो एरिया है, वो जो क्षेत्र दोस्तों, वो चालुक्यों के अधीन था, उनके क्षेत्र के नियंत्रण में था। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कि ये सही है कि गलत है, क्या है दोस्तों आपको बताना है। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर ई जो है वो ट्रू है। कि दोस्तों बादामों के जो बादामी दोस्तों आपकी गुफाएं हैं उनका जो निर्माण दोस्तों चालुक्य के शासकों द्वारा कराया गया था, और दोस्तों जो क्षेत्र था ये चालुक्य शासक के अंतर्गत, चालुक्य शासन के अंतर्गत आता था। अंतिम चलते दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। मिडिल पैलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड इन एसोसिएशन विद एसुलियन आर्टिफैक्ट्स एट, मतलब कि दोस्तों जो मिडिल पैलियोलिथिक के आर्टिफैक्ट्स हैं, आपकी जो मध्य पूर्व पाषाण काल के जो पुरावशेष हैं, इनके दोस्तों जो प्रमाण है हमको फ्रेश एसुलियन आर्टिफैक्ट्स के साथ, जो एसुलियन पुरावशेष हैं इनके साथ कहां से इनके जो प्रमाण है साथ साथ हमको प्रमाण देखने को मिले हैं। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन हैं सिहावल, पटपरा, ढाबा और खौतेही। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने आपको जब सोन घाटी संबंधी जो चीजें शायद मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पे आपको सिहावल, पटपरा, खौतेही, बागोर जैसे जो आपके जमाव हैं उनकी चर्चा हमने आपसे की थी, और उस संदर्भ में दोस्तों हमने आपसे जानकारी भी शेयर किया था। और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो पटपरा आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, एक प्रकार से खुद ही आर्कियोलॉजिकल साइट भी है दोस्तों, और यहाँ से जो जमाव प्राप्त हुआ था उसको पटपरा जमाव भी कहते हैं, और इसी जमाव से दोस्तों हमको मिडिल पैलिथिक आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ दोस्तों वहां पे जो फ्रेश एसुरियन आर्टिफैक्ट्स हैं उनके भी प्रमाण को यहाँ से प्राप्त हुए थे। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हाउ वुड अ कॉर्प डैमेज पार्ट ऑफ गेटवे ऑफ सांची स्तूप विल बी रिस्टोर्ड।
मतलब कि दोस्तों जो सांची स्तूप के प्रवेश द्वार का एक नक्काशीदार क्षतिग्रस्त हिस्सा है उसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे, कैसे उसका मरम्मत करेंगे, कैसे उसको हम लोग सही करेंगे, यह आपको बताना है। तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए। द पोर्शन विल बी प्लास्टर्ड, मतलब कि जो हिस्सा डैमेज्ड है दैट विल बी द प्लास्टर्ड। ऑप्शन नंबर टू, दैट पोर्शन विल बी रिप्लेस्ड बाय अ मैचिंग कार्ब्ड ब्लॉक, मतलब कि वह जो आपका हिस्सा है वो उसी खाने वाले नक्काशी ब्लॉक से बदल दिया जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज, पार्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्लेन सिमिलर पीस ऑफ स्टोन, मतलब कि वही सी जो हिस्सा है जो डैमेज हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा उसी प्रकार का जो स्टोन है जिससे वो नक्काशीदार स्टोन बना हुआ था, सेम उसी प्रकार के एक सिमिलर स्टोन को जो कि एक प्लेन स्टोन होगा उस पर किसी भी कार्विंग का जो आपका प्रमाण है वो नहीं होगा, वैसे प्लेन जो स्टोन है उससे बदल दिया जाएगा। जबकि चौथा दिया गया, वुड बी क्लीन्ड एंड लेफ्ट एज इट इज, मतलब कि जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दिया जाएगा, बस वहां पे उसकी साफ सफाई कर दी जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए जब भी किसी आर्किटेक्चरल रिमेन्स में कोई भी डैमेज होता है, कोई भी दिक्कत होती है, यदि वो भाग डैमेज हो जाता है, इन दैट केस वो जो जिस भी स्टोन का जो आर्किटेक्चरल पार्ट है बना होता है उस सिमिलर स्टोन का खोज कर क्या करते हैं कि वहां पर उसको क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं और जो डैमेज पार्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। बस अंतर ये है कि जो डैमेज पार्ट होता है और जो लगाया जाता है, इन दोनों में अंतर ये होता है कि डैमेज पार्ट में आपको प्लेन डैमेज पार्ट होगा, जबकि जो लगाया जाने वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा। जो कि निकाला जाने वाला पार्ट होगा वो नक्काशीदार होगा, जिससे कि ये पता चल पाए कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो डैमेज था और इसको रिप्लेस किया गया है। एंड सो दैट्स द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि आइडेंटिफाई टू मेसोलिथिक साइट्स ऑफ यूरोप, मतलब कि दोस्तों आपकी यूरोप की दो मध्य पाषाणिक जो पुरास्थल हैं उनके पहचान को आपको यहाँ पर बताना कि कौन कौन से मध्य पाषाणिक पुरास्थल हैं ये आप बताएंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है ग्रेवेशियन, मैगलेमोशियन, ऑरेग्नेशियन या फिर स्टैरकेर, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा है, इसमें बताने की आवश्यकता आपको है नहीं। और इसके दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, कोड दिए हैं, कोड नंबर 1 एंड 2, कोड नंबर 2 एंड 3, कोड नंबर 2 एंड 4 एंड कोड नंबर 3 एंड 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों जब भी हम यूरोप की मेसोलिथिक कल्चर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यूरोप की मेसोलिथिक कल्चर्स में दोस्तों आपके आ जाएंगे 2 एंड 4, अर्थात दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों आपका मैगलेमोशियन एंड स्टैरकेर दोस्तों ये आपके वहां की मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, मेसोलिथिक साइट्स के रूप में दोस्तों वहां के जाने जाते हैं, जो कि दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने दोस्तों आपको यूरोपियन जो आपके मेसोलिथिक कल्चर्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी जब हम लोग वर्ल्ड पॉलिटी केस पढ़ रहे थे, इसका दोस्तों जब हम लोगों ने आगे चर्चा की तो वहां पर हमने आपसे इस चीज की डिस्कशन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि विला फ्रांसिया फौना इज ऑफ, मतलब कि दोस्तों जो विला फ्रांसिया जीव वर्ग है, जंतु वर्ग है दोस्तों, यह आपके किस काल का है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, अपर पैलिथिक पीरियड का है, वुरमाइसेस का है, अर्ली होलोसीन पीरियड का है या फिर लोअर प्लेस्टोसीन पीरियड का है। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लोअर प्लेस्टोसीन पीरियड था दोस्तों, जो आपका निम्न प्रातिनूतन काल है, विला फ्रांसिया फौना दोस्तों उस काल का माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब भी हम अर्थ के हिस्ट्री की बात करते हैं तो पृथ्वी के इतिहास को 5 भागों में बांटा जाता है और पांचवा भाग है दोस्तों उसका सिनोजोइक। सिनोजोइक दोस्तों फर्दर 2 भागों में बांटा जाता है जिसको हम लोग टर्शरी एज और क्वार्टनरी एज कहते हैं, जिसमें दोस्तों जो आपका क्वार्टनरी एज है ये फर्दर आपके 2 भागों में बांटा जाता है जिसको हम लोग होलोसीन और प्लेस्टोसीन के नाम से जानते हैं। प्लेस्टोसीन दोस्तों फर्दर 3 भागों में जाता है, लोअर प्लेस्टोसीन, मिडिल प्लेस्टोसीन एंड अपर प्लेस्टोसीन। दोस्तों जो विला फ्रांसिया फौना वर्ग है दोस्तों ये आपके आता है दोस्तों लोअर प्लेस्टोसीन पीरियड में, अर्थात निम्न प्रातिनूतन काल में।
हमने दोस्तों आपको चर्चा के दौरान जो चीजें हैं हमने आपको बताई थी क्लास के दौरान, जिसे दोस्तों आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इसमें करना क्या है दोस्तों कि आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको मैचिंग करानी है, जिसमें दोस्तों लिस्ट वन में दोस्तों बुक्स के नाम दिए गए हैं, दोस्तों लिस्ट टू में यहाँ पर ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, तो उनको आपको क्या करना है कि मैचिंग करानी है। अब दोस्तों बुक्स में नाम दिया गया है आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, द राइज ऑफ सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी फ्लोज ऑन। अब देखिए दोस्तों इसमें तो किसी को बताने की कुछ अधिक आवश्यकता है नहीं। पर्सनालिटी ऑफ इंडिया दोस्तों आप सभी जानते हैं किसका लिखा हुआ है, बी सुब्बाराव का है, बार बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कुछ दोस्तों अतिरिक्त आपको बताने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगती है कि होगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसी प्रकार हो जाए, क्योंकि सी का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 मिनट, बी का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 एकमात्र दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ए का 4 हो जाएगा, मतलब दोस्तों ए का 2 हो जाएगा, मतलब दोस्तों मार्टिमर व्हीलर आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, दोस्तों मार्टिमर व्हीलर वाले लिखा है। जब भी आप मार्टिमर व्हीलर को देखें दोस्तों, तो मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों जो साइंटिफिक एक्सकेवेशन है, भारत में साइंटिफिक एक्सकेवेशन को इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य दोस्तों मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ही किया गया, और व्हीलर ने दोस्तों जो आपके स्ट्रैटिग्राफी का कॉन्सेप्ट था, जी दोस्तों स्ट्रैटिग्राफी इसको लोग बोलते हैं, स्तरीकरण का सिद्धांत, दोस्तों भारत के उत्खनन में दोस्तों जो आपका स्ट्रैटिग्राफी का कॉन्सेप्ट था, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्टिमर व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर एज यू ऑल नो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट इन दैट एरा, सो दैट्स वाई ही एक्सकेवेटेड मेनी आर्कियोलॉजिकल साइट एज लाइक ब्रह्मगिरी आपका हो गया, अरिका मेडू हो गया, इन सभी पुरास्थलों पर काफी का महत्वपूर्ण कार्य किया मार्टिमर व्हीलर ने। दोस्तों उन्हीं में से एक है दोस्तों जिन्होंने, मार्टिमर व्हीलर ने स्ट्रेटिग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो आपका एक्सकेवेशन है उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके अलावा दोस्तों आपके 2 हो गए, आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, मार्टिमर व्हीलर, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, बी सुब्बा राव। बी सुब्बा राव ने भी दोस्तों आपका जो देवनी मोरी आर्कियोलॉजिकल साइट है उस पर काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा दोस्तों आपका द राइज ऑफ सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्चिन के द्वारा, दोस्तों बी अल्चिन एंड एफ आर अल्चिन दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। बाकी बचा दोस्तों आपका सरस्वती फ्लोजॉन, दोस्तों यह लिखा है आपके बी बी लाल के द्वारा, जी दोस्तों जो बी बी लाल हैं इनके दोस्तों जो सरस्वती फ्लोजॉन है ये पुस्तक लिखी गई काफी महत्वपूर्ण है। बी बी लाल, ब्रिजवासी लाल दोस्तों इनके द्वारा दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पुरास्थल है उनका खोज किया गया, इनका उत्खनन किया गया, इसमें दोस्तों आपका श्रृंगवेरपुर हो गया, अछत्र हो गया, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों उन्होंने महत्वपूर्ण पुरास्थल को एक्सकेवेट और खोजा है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न बहुत सिंपल सा है दोस्तों कि द ब्रिक कोर ऑफ लार्जेस्ट स्तूप आर नोन एज स्तूप नंबर 1 और ग्रेट स्तूप एट सांची वॉज बिल्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ, मतलब दोस्तों जो सांची का सबसे महान स्तूप है दोस्तों, जिसको स्तूप संख्या 1 के रूप में जानते हैं, जिसका स्तूप है दोस्तों जो कोर है, जो ईंट वाला हिस्सा है दोस्तों, वो किसके शासन काल में बना था यह आपसे पूछा जाए दोस्तों। तो ऑप्शन दिया गया कनिष्क फर्स्ट, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या फिर दोस्तों मिनांडर, यह आपको बताना है दोस्तों। ये तो सिंपल सा, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता है दोस्तों। मौर्य काल के समय दोस्तों सांची का बना जो महान स्तूप है, स्तूप नंबर 1 दोस्तों, ये आपके मौर्य काल के जो शासक अशोक थे उनके समय में जो उसका कोर वाला भाग था दोस्तों उसका निर्माण किया गया था, वहीं पर दोस्तों जो उसका तोरण द्वार है, जो तोरण गेट है दोस्तों, उसका निर्माण शुंग के समय हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जब भी बात स्तूपों की आती है दोस्तों, तो स्तूपों का निर्माण दोस्तों मुख्यतः मौर्य काल से शुरू हुआ और बाद में दोस्तों आपके अलग अलग कालों तक चला दोस्तों, जिसमें गुप्त काल भी दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। और आप सारनाथ के दोस्तों जब स्तूपों की चर्चा करते हैं, तो गुप्त काल में भी दोस्तों सारनाथ में स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसकी चर्चा हम लोगों ने दोस्तों आर्किटेक्चर की क्लास में किया था। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है कि आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ ओसीपी कल्चर, दोस्तों आपने ओसीपी संस्कृति का नाम सुना होगा दोस्तों, इसको लोग गैरिक मृदभांड संस्कृति कहते हैं। ओसीपी का मतलब दोस्तों होता ही है अकर कलर्ड पॉटरी, ओ से अकर, सी से कलर, सी से बी से पॉटरी, तो अकर कलर पॉटरी से हम लोग गैरिक मृदभांडीय संस्कृति कहते हैं दोस्तों। जब भी ओसीपी का नाम आप लोग सुने तो इसको जरूर ध्यान रखें, इनको एसोसिएट किया जाता है दोस्तों आपके कॉपर होर्ड से, जैसे हम लोग ताम्र निधि बोलते हैं, ताम्र निधि से दोस्तों एसोसिएट किया जाता है कॉपर होर्ड को। और दोस्तों कॉपर होर्ड जो है दोस्तों उनसे संबंधित जो मृदभांडी परंपरा है दोस्तों, उसको हम लोग ओसीपी के नाम से जानते हैं। ओसीपी दोस्तों विच इज नोन एज ऑकर कलर पॉटरी, गैरिक मृदभांडी परंपरा, तो उन्हीं के पुरास्थलों का नाम पूछा जाए दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन हैं जोधपुरा, साईपाई, झिंझिना
या फिर दोस्तों गिलुंद। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, हमने क्लास के दौरान भी इसकी चर्चा की थी, बहुत इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों मेरे कहने का ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको पुरास्थल देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, इनमें से आपका जो जोधपुरा हो गया, सईपई हो गया और दोस्तों जो झिंझिना हो गया, यह तीनों के तीनों दोस्तों ओसीपी कल्चर के दोस्तों आपके महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो आपको गिलुंड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपके चालकोलिथिक पीरियड का, जी हाँ दोस्तों चालकोलिथिक पीरियड का, जिसको दोस्तों हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं, इस ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और ये काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल भी आपके ताम्र पाषाण काल का है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा दोस्तों आपसे हाल ही में क्लास के दौरान किया था। इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है दोस्तों कि द फेमस कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा वॉज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ, मतलब कि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, एलोरा में दोस्तों आपका प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर है दोस्तों, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह किसके समय में बनवाया गया था, यह आपसे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है राजकुटास, चोलास, पल्लवास या फिर गुप्ताज। बहुत सिंपल से दोस्तों, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता है नहीं। राजपूतों के द्वारा जो दोस्तों वहां पर जो आपका कैलाश नाथ मंदिर है, जिसको भगवान शिव को समर्पित दोस्तों, और दोस्तों ये आपका मोनोलिथिज्म, मोनोलिथिज्म तो आपका दोस्तों आपका ये काव्य है, मतलब कि दोस्तों एक पूरे पत्थर को दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ दोस्तों काट के दोस्तों इस मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट वॉन्डर्ड आर्किटेक्चर ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है दोस्तों। क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ किसी एक पत्थर को काट कर पूरे मंदिर का निर्माण कर देना, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, लेकिन फिर भी दोस्तों ये काम हुआ है। और कैलाश नाथ मंदिर दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको दिखाई देता है। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राष्ट्रकूटों के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज हैज रिसेंटली यील्डेड एन इंस्क्राइब्ड स्कल्पचर ऑफ अशोका। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि जूनागढ़, दिल्ली, हम्पी या फिर सन्नति। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में अशोक की एक खुदी हुई मूर्ति के प्रमाण मिले दोस्तों, तो इसमें कुछ अधिक बताने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। सन्नति में दोस्तों हाल ही में एक स्तूप का प्रमाण मिला है दोस्तों, और इस स्तूप में ही दोस्तों आपके जो अशोक है उसका जो फिगर दोस्तों, जो कार्व फिगर है, उनके प्रमाण जो है दोस्तों हमको यहाँ पर देखने को मिले, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सन्नति से किसकी प्राप्ति हुई है, तो स्तूप की हुई है, और स्तूप में दोस्तों आपके अशोक की खुदी हुई मूर्ति जो है दोस्तों वहां पर हमको देखने को प्रमाण मिलता है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके असर्शंस एंड रीजन का दिया हुआ है दोस्तों। असर्शन में दोस्तों दिया गया कि देयर इज हार्डली एनी मोहनजोदारो हरप्पन टाइप मदर गॉडेज एट लोथल, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर लोथल में दोस्तों शायद ही कोई हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो प्रकार की दोस्तों जो कोई माता देवी की मूर्ति है वो शायद ही प्राप्त हुई हो। और दोस्तों रीजन जो दिया गया है कि सौराष्ट्र हरप्पन्स डिड नॉट वर्शिप मदर गॉडेज, मतलब कि दोस्तों वो इसलिए नहीं पाई जाती वहां पर दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा निवासी मातृ देवी की पूजा नहीं करते थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही हैं, क्या ये जो सही है वो सही है, या फिर आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, या फिर दोनों सही है, यह आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों लोथल में दोस्तों शायद ही किसी आपकी मोहनजोदड़ो या हड़प्पा प्रकार की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हमको वहां पर जो हड़प्पा निवासी है वो मातृ देवी की पूजा कहाँ के, सौराष्ट्र के जो हड़प्पा निवासी है दोस्तों, सौराष्ट्र के जो हड़प्पन है वो आपके मदर गॉडेस की जो पूजा है वो नहीं करते थे, इसीलिए दोस्तों वहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्रकार की जो मदर गॉडेज है वह देखने को नहीं मिलती है। और दोस्तों आज के सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि होयसलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट, मतलब दोस्तों जो होयसलेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, इसमें दोस्तों आपको कुछ अतिरिक्त बताने की आवश्यकता है नहीं। ये सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब दोस्तों जो आपका हेलीविडू है वहां पर दोस्तों हेलीविडू ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर कई सारे मंदिरों के प्रमाण मिले हैं, और उन्हीं में से दोस्तों एक है आपका होयसलेश्वर टेम्पल, जिसके प्रमाण दोस्तों हमको आपके होयसलेश्वर में जो आपका हेलीविडू है वहां से प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों बादामी के मंदिर अपने आप में काफी फेमस है, हम्पी के मंदिर काफी फेमस है। जब हम लोग दोस्तों आर्किटेक्चर की क्लास पूरी करेंगे तो इन सभी चीजों को दोस्तों हम आपसे वहां पर डिस्कस भी करेंगे।
दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि द मेथड टू स्टडी फंक्शन ऑफ स्टोन टूल इज, मतलब कि दोस्तों आपके सामने प्रश्न बड़ा सिंपल सा ये दिया हुआ है कि जो पाषाण युगीन उपकरण थे उनके कार्यों का अध्ययन करने की विधि क्या कह जाती थी। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं इन स्टोन एज देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टोन टूल्स एंड देयर फंक्शंस एंड देयर टाइपोलॉजी आर डिफरेंट। मतलब कि दोस्तों जो आपके पाषाण काल में उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे उनके कार्य करने का तरीका, उनके उपयोग में लाए जाने के जो तरीके होते थे वो अलग अलग होते थे। हर एक टूल का अपना अलग कार्य होता था। अब उन टूल्स का जो अध्ययन होता था कि वो किस प्रकार से कार्य करते थे, उनके कार्यों का अध्ययन क्या करता था, यही आपसे ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। पहला दिया गया दोस्तों आपका स्टेटिग्राफी दिया गया है, जिसको हम लोग दोस्तों स्तरीकरण बोलते हैं हिंदी में। दूसरा फ्लेकिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब कि दोस्तों आपका जो फलकीकरण होता था उसके बारे में दिया हुआ है। तीसरा दिया दोस्तों माइक्रोवियर स्टडी और चौथा दिया दोस्तों आपका टाइपोलॉजी। देखिए दोस्तों इसका जो वास्तव में सही आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोस्तों जो आपका पाषाण युगीन उपकरण होते थे उनके कार्यों का जो अध्ययन करता था। सामान्य शब्दों में दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि पाषाण उपकरणों के कार्यों का अध्ययन माइक्रोवियर स्टडी कहलाता है, सूक्ष्म अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ स्ट्रेटिग्राफी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्तरीकरण बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि जो स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया, या फिर इंडियन आर्कियोलॉजी जो है उसमें ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो स्तरीकरण का सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट ऑफ जो स्टेटिग्राफी है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी। दोस्तों ये आर्कियोलॉजी का जो पुरातत्व है इसका भाग नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ जियोलॉजी। मतलब कि दोस्तों ये जो जियोलॉजी है, जो भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, ये वास्तव में उसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक महोदय हैं जिनका नाम है पिट रिवर्स, जी हाँ दोस्तों पिट रिवर्स के द्वारा दोस्तों वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो आपका आर्कियोलॉजी में स्थिरीकरण का कॉन्सेप्ट दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं पर यदि यह पूछ लिया जाए कि भारत के एक्सकेवेशन के दौरान, मतलब कि दोस्तों भारत में जब उत्खनन किया जाने लगा आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, तो उसमें स्थिरीकरण को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो उनका नाम था दोस्तों मार्टिमर व्हीलर। जी दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा सर मार्टिमर व्हीलर का। इनके द्वारा दोस्तों कई सारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इनको एक्सकिवेट किया गया। इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है ब्रह्मगिरी भी। दोस्तों स्थिरीकरण का कॉन्सेप्ट भारत में लाने वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों उनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। और दोस्तों स्थिरीकरण दोस्तों एक प्रकार की डेटिंग मेथड है जो कि दोस्तों यूज की जाती है आपके रिलेटिव डेटिंग में, सापेक्ष स्थिति विधि में। आप सभी जानते हैं आर्कियोलॉजी के अंदर दोस्तों दो प्रकार की डेटिंग मेथड्स होते हैं, एक रिलेटिव डेटिंग एक एब्सोल्यूट डेटिंग, जिसमें दोस्तों जो स्टेटिग्राफी है, जो स्थिरीकरण का सिद्धांत है, यह दोस्तों यूज किया जाता है आपकी रिलेटिव डेटिंग में, सापेक्ष स्थिति विधि में। और इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट जो भारत में लेकर आया था वो आया था दोस्तों आपके सर मार्टिमर व्हीलर, और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों जो पिट रिवर्स हैं इनके द्वारा लाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आर्कियोलॉजी का पार्ट न होकर दोस्तों ये किसका पार्ट है, जियोलॉजी का पार्ट है। इसके बाद दोस्तों जो आपका टाइपोलॉजी यहाँ पर दिया हुआ है, टाइपोलॉजी दोस्तों होता है आपका कि एक समान आकार प्रकार एवं संरचना वाले जो अध्ययन कहलाते हैं वह कहला जाता है प्रारूपकी, अर्थात टाइपोलॉजी कहलाता है। इसमें खास दोस्तों टाइपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पॉटरीज का, सेरेमिक्स का, अर्थात मृदभांडों का अध्ययन दोस्तों किया जाता है टाइपोलॉजी के अंतर्गत। जबकि यहाँ पर जो फ्लेकिंग एक्सपेरिमेंट्स दिए गए दोस्तों कि जो पाषाण उपकरणों के जो फ्लेक्स निकाले जाते थे उनका जो अध्ययन किया जाता था वो दोस्तों फ्लेकिंग एक्सपेरिमेंट्स करता था। लेकिन इसका वास्तव में जो इसका क्वेश्चन कहां से होगा दोस्तों वो माइक्रोवेव स्टडी होगा, अर्थात दोस्तों आपका जो माइक्रोवेव स्टडी है वो बताया जाता है कि जब आपके पाषाण उपकरणों को, स्टोन टूल्स को किस प्रकार से उनका निर्माण किया गया, उनके कार्य किस प्रकार से करते थे, कोई चीरने के काम में आता था, कोई फाड़ने के काम में आता था, तो कौन कौन से टूल्स कैसे यूज में रहते थे, इन सभी का अध्ययन दोस्तों हम लोग माइक्रोवेयर स्टडी के अंतर्गत करते हैं। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दोस्तों कि कॉपर हार्पून्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट्स, मतलब दोस्तों जो तांबे के भाले हैं निम्न में से किन स्थलों से मिले हैं दोस्तों, यह आपको बताना है दोस्तों। आप लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि तांबे के हारपून दोस्तों कहाँ कहाँ से प्राप्त हैं। दोस्तों जो तांबे के हारपून है दोस्तों ये हमको जो शिशुपालगढ़ और दोस्तों हस्तिनापुर आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ से दोस्तों जो आपको तांबे के भाले हैं,
हारपून का मतलब दोस्तों भाला, और तांबे के हारपून दोस्तों आपके जो कॉपर हारपून से इनको शिशुपालगढ़ जो हस्तिनापुर आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों वहां से प्राप्त किया गया दोस्तों, और इनको एक्सकिवेट करने का जो कार्य दोस्तों वह बीबी लाल के द्वारा दोस्तों जो किया गया था। आप सभी ने दोस्तों बीबी लाल का नाम जरूर सुना होगा, जिनको दोस्तों हम लोग ब्रिजवासी लाल के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा दोस्तों ये एक्सकेवेटेड साइट है, और दोस्तों इनका संबंध आपके आप सभी जानते हैं, एक का रामायण महाभारत काल से दोस्तों आप जुड़ा जाता है। आप सभी जानते हैं रामायण और महाभारत काल से संबंधित जो पुरास्थलों की दोस्तों खुदाई का श्रेय जाता है दोस्तों वह बीबी लाल को जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बीबी लाल के द्वारा दोस्तों जो आपका शिशुपालगढ़ हो गया, हस्तिनापुर हो गया, आपके इसके अलावा दोस्तों श्रृंगवेरपुर हो गया जो कि रामायण संबंधित महत्वपूर्ण पुरास्थल है, इन सभी के दोस्तों खुदाई का जो श्रेय दोस्तों एक्सक्यूशन का जो श्रेय है वो बीबी लाल को जाता है दोस्तों। और इन्हीं दोनों पुरास्थलों से शिशुपालगढ़ दोस्तों हस्तिनापुर से जो कॉपर हारपून से तांबे के भाले हैं दोस्तों उनको प्राप्त किया गया है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वुर्म फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेडियल इस कल्चर इज, मतलब दोस्तों जो आपके वुर्म फर्स्ट और स्टेडियल सेकेंड का कल्चर दोस्तों कौन सी संस्कृति आती है, तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सी संस्कृति दोस्तों इसके अंतर्गत आएगी। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है सिविलियन संस्कृति, ओल्डवान संस्कृति, मुस्टेरियन संस्कृति या फिर दोस्तों पेरिगॉर्डियन संस्कृति। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपको बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोस्तों जो मुस्टेरियन संस्कृति है यह इसके अंतर्गत आएगी। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब भी आप एस्यूलियन की बात करते हैं दोस्तों तो एस्यूलियन उपकरण का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ध्यान रखिएगा एस्यूलियन के अंतर्गत दोस्तों दो प्रकार की उपकरण परंपरा आती है। एक आती है दोस्तों आपका हैंड एक्स, और दूसरा आता है दोस्तों आपका क्लीवर, जिसको हम लोग दोस्तों हिंदी में हस्त कुठार और विदारणी के रूप में जानते हैं। जबकि दोस्तों जो ओल्डवान टूल्स हैं इनके प्रथम प्रमाण हमको दोस्तों ओल्डुआई जो गार्ज वैली है, जी दोस्तों जो ओल्डुआई जॉर्ज वैली है वहां से दोस्तों सबसे पहली बार हमको ओल्डवान जो टूल्स हैं उनके प्रमाण मिले थे, ओल्डवान कल्चर के प्रमाण मिले थे दोस्तों, जो कि आपके तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। जी हाँ दोस्तों तंजानिया अफ्रीका का जो क्षेत्र दोस्तों वहां से इसके प्रमाण हमको प्राप्त हुए थे दोस्तों, जो कि ओल्डवान वैली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों एस्यूलियन और ओल्डवान दोस्तों यह आपके लोअर पैलोलिथिक साइट है दोस्तों, लोअर पैलियोलिथिक जो साइट है दोस्तों जिसको लोग निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं उनसे संबंधित दोस्तों आपके महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। जबकि दोस्तों जब हम मुस्टेरियन की बात करते हैं दोस्तों तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्टेरियन संस्कृति के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिनके द्वारा जो मुस्टेरियन कल्चर है उसकी शुरुआत की गई दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो मुस्टेरियन कल्चर है, मुस्टेरियन संस्कृति है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है दोस्तों आपके जो नियंडरथल मानव है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों जो नियंडरथल मानव है इनके द्वारा जो है दोस्तों आपके मुस्टेरियन कल्चर की शुरुआत की गई दोस्तों। जो मुस्टेरियन कल्चर है दोस्तों इसका संबंध दोस्तों मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर से है। किससे संबंध है दोस्तों, इसका संबंध दोस्तों आपके मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर से है, अर्थात दोस्तों जो मध्य पूर्व पाषाण काल है यूरोप का दोस्तों उनसे संबंधित पुरास्थल दोस्तों, और मुस्टेरियन कल्चर के जो प्रथम प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों कि मुस्टेरियन कल्चर के प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों, फ्रांस का ही एक पुरास्थल, इसका नाम है दोस्तों ले मुस्टेर, जी दोस्तों फ्रांस का एक पुरास्थल है ले मुस्टेर दोस्तों, वहां से दोस्तों इसके जो प्रमाण है हमको सबसे पहली बार दोस्तों प्रमाण प्राप्त हुए थे, जैसा कि हमने आपको दोस्तों बताया भी था। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों क्या करना है कि आपको दो लिस्ट दी गई है दोस्तों, जिनको कि आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोस्तों क्या करना है, मैच कराना है। अब दोस्तों इनमें आपको जो नाम दिए गए हैं उनको मैच कराना है। इधर दो ये आपके सामने लिस्ट दिए गए हैं जिनको दोस्तों आपको दोनों को आपस में मैच कराना है। सबसे पहले दोस्तों नाम दिया गया है ध्वज स्तंभ का, फिर जय स्तंभ का, फिर कीर्ति स्तंभ का, फिर दोस्तों दिया गया है छाया स्तंभ का। और दोस्तों इधर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इमेज पिलर हैं कि फ्लैग स्टेफ है, विक्टोरी पिलर है या फिर दोस्तों फेम पिलर हैं, जिनको भी दोस्तों आपको कोड जो इनका दिया गया दोस्तों इसको आपको क्या करना है, आपस में मैचिंग कराना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब दोस्तों जब भी देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको आराम से मिलाना पड़ेगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आपको जो ध्वज स्तंभ है दोस्तों ये आपका फ्लैग स्टाफ, जिसको लोग दोस्तों ध्वज आपका दोस्तों दंड बोलेंगे, ये इनसे एसोसिएट करेगा। जबकि दोस्तों जो आपका बी है दोस्तों इसको हम लोग जय स्तंभ कहते हैं, जय स्तंभ दोस्तों आपका विक्ट्री पिलर्स होगा, जिसका मतलब होता है दोस्तों आपको
मैं आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, जो जय स्तंभ है दोस्तों, ये आपके विजय स्तंभ से दोस्तों डिनोट करेगा, जबकि दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ दोस्तों आपके इमेज पिलर से दोस्तों जाएगा, छवि स्तंभ से जाएगा, बचा दोस्तों आपका छाया स्तंभ। दोस्तों जो छाया स्तंभ है दोस्तों, यह आपके, एक मिनट, हाँ तो सॉरी माफ कीजिएगा, सी का 4 होगा, एक मिनट, हाँ सी कीर्ति स्तंभ जो है दोस्तों, ये फेम पिलर है, मतलब कि जो आपकी प्रसिद्धि स्तंभ है, नाम से स्पष्ट दोस्तों ये दोस्तों एक तो समानार्थी है, और छाया स्तंभ दोस्तों आपके छवि स्तंभ के रूप में जाना जाएगा। अब देखिए इसमें आप लोग याद कैसे करेंगे, इसको कुछ ज्यादा अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं है, ये एक या आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्वेश्चन एक प्रकार से। देखिए जब अलग अलग समय में राजाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के स्तंभों का निर्माण कहता था, पिलर्स का निर्माण कहता था, तो उस समय उनके अलग अलग स्टोन पिलर्स होते थे। जैसे एज लाइक यदि वो ध्वज स्तंभ का निर्माण करते थे, तो उनके लिए वो जो है दोस्तों ध्वज दंड का प्रयोग करते थे। जैसे जय स्तंभ जिसमें उनके जय का वर्णन होता था, तो वो उनके दोस्तों जो विजय स्तंभ होती थी उनमें उनके जय के बारे में, मतलब उनकी जो जीत होती थी, उनकी जो विजय होती थी, उसके बारे में प्रमाण मिलता है। जो कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, कीर्ति मतलब क्या होता है, किसी का गान करना, उनकी जो बड़ाई है, उनकी जो प्रसिद्धि है, उसके बारे में बताना। तो जो प्रसिद्धि स्तंभ में बचा दोस्तों छाया, अच्छा है दोस्तों आपका जो इमेज पिलर है उससे एसोसिएट हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। अब सभी जानते हैं आप सभी की दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लगातार आर्कियोलॉजी या फिर दोस्तों उससे एसोसिएटेड जितने भी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बनते हैं कि कौन सी बुक्स दोस्तों किस राइटर के द्वारा लिखी गई। तो वैसे ही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बुक है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, और ये किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों आप सभी जानते हैं, यह लिखा गया दोस्तों आपके वॉल्टर फेयर सर्विस के द्वारा। जी दोस्तों आप लोगों ने वॉल्टर फेयर सर्विस का नाम जरूर सुना होगा, तो वॉल्टर फेयर सर्विस के द्वारा दोस्तों जो पुस्तक है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया दोस्तों वह पुस्तक जो है लिखी गई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है दोस्तों कि आपके जितने भी आर्कियोलॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैंने इसी चैनल पे दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से दोस्तों उसको अपलोड किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाएं दोस्तों, आप उसको देखें, वहां से वॉचआउट करें। आपके लिए दोस्तों लगभग लगभग 200 के आसपास दोस्तों मैंने वहां पर जो बुक्स हैं उसको मैंने वहां पर आपके साथ डिस्कस किया है। यदि दोस्तों आपको बुक्स की लिंक नहीं मिले तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, हम आपको वहां पर दोस्तों उसको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न क्या है दोस्तों कि पॉट्स ऑफ ब्लैक स्लिप्ड वेयर वर आइडेंटिफाइड एट, मतलब कि दोस्तों जो ब्लैक स्लिप्ड वेयर हैं दोस्तों उनके बर्तनों के या मृद भांडों के जो प्रमाण दोस्तों वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यह आपको बताना है दोस्तों। इनके जो प्रमाण है दोस्तों हमको प्राप्त हुए हैं आपके राजघाट और जो अगियाबीर है, आप सभी जानते हैं दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। जो राजघाट और अगियाबीर आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, यहां से हमको दोस्तों ब्लैक स्लिप्ड वेयर जो दोस्तों उनके प्रमाण प्राप्त है दोस्तों, जबकि जो कोलडीहवा है यहां से दोस्तों हमको चावल के प्रमाण प्राप्त है, जबकि दोस्तों जो द्वारका है इसका दोस्तों कार्य कर रहा है, इनके ऊपर जो कार्य है दोस्तों यह SR राव सर का है दोस्तों। SR राव सर ने दोस्तों लोथल जो पुरास्थल है आर्कियोलॉजिकल साइट उसका एक्सक्वेशन किया था, और द्वारके के ऊपर दोस्तों जो आपका जो महत्वपूर्ण एक्सक्वेशन का कार्य है वह SR राव का ही दोस्तों, और SR राव को फादर ऑफ इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी अर्थात भारत के समुद्री पुरातत्व के जनक के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, और इन्हीं के द्वारा द्वारका और लोथल के क्षेत्र पर कार्य किया गया। और दोस्तों जबकि आपको जो राजघाट और अगियाबीर का क्षेत्र है दोस्तों, राजघाट दोस्तों आपके वाराणसी में दोस्तों, और जो अगियाबीर दोस्तों उसी से कुछ दूरी पर स्थित यह महत्वपूर्ण दोनों पुरास्थल हैं, और दोनों पुरास्थलों से जो ब्लैक स्लिप्ड वेयर हैं इनके जो प्रमाण दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं। इस वजह से दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा 1 और 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 2 है वो बी है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, इसमें आपको बताना है। असर्शन दिया गया है कि हरप्पन पीपल हैड अ बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक साइंटिफिक नॉलेज इन वेरियस फील्ड, मतलब दोस्तों हड़प्पा के लोगों के पास दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थित वैज्ञानिक ज्ञान का एक समूह था दोस्तों, मतलब उनके पास हर एक क्षेत्रों में दोस्तों एक उनके पास वैज्ञानिक ज्ञान था। वहीं पर दोस्तों जो रीजन दिया गया है कि एविडेंसेज ऑफ वेट्स एंड स्केल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम
हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से विभिन्न प्रकार के वजन या फिर जो उनकी माप दोस्तों और तराजू दोस्तों उनके प्रमाण हमको हर जगह से देखने को मिले हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों यह आपको बताना है दोस्तों। तो आपके सामने ये जो ऑप्शंस के आंसर दिए गए दोस्तों कि ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए एंड आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दोस्तों कि जी हाँ हड़प्पा के लोगों को आप सभी जानते हैं वेरियस फील्ड में जो साइंटिफिक नॉलेज है उसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है, चाहे इनकी टाउन प्लानिंग हो, चाहे इनका ट्रेड एंड कॉमर्स हो, चाहे इनके पॉटरीज मेकिंग की बात कर लें या फिर इनके टूल मेकिंग्स की बात कर लें या फिर इनके हाउस बिल्डिंग्स की बात कर लें या फिर इनके अदर जो आपके वेरियस एक्टिविटीज है दोस्तों, उन सभी में हमको साइंटिफिक नॉलेज जो दोस्तों देखने को मिलता है। और साथ में आप सभी जानते दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू आउट द आपके वेरियस जो आपके दोस्तों पुरास्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां से दोस्तों हमको जो उनके भार हैं, जो आपके वजन के, जो आपके महत्वपूर्ण जो क्या कहते हैं जो प्रमाण हैं, उनके दोस्तों जो प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज मेनली डिपेक्टेड ऑन द क्वाइंस ऑफ गंगदेव कलचूरी, मतलब कि दोस्तों जो गंगदेव कलचूरी शासक है दोस्तों उनकी उनके सिक्कों पर, उनकी मुद्राओं पर सबसे प्रमुख रूप से किसका अंकन देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, लक्ष्मी का अंकन देखने को मिलता है कि विष्णु का अंकन देखने को मिलता है कि सरस्वती का अंकन देखने को मिलता है या फिर कार्तिकेय का अंकन देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो कलचूरी के सिक्के देखने को मिलते हैं उसमें जो लक्ष्मी का अंकन है दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न क्या है दोस्तों कि विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस बाय नेम बोथ कालिदास एंड भावी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग डेली बेसिस पे जो रात में क्विज करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है दोस्तों। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल पे दोस्तों ये तो रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों, जहां पर हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों मैं नोट्स के साथ पीडीएफ के साथ दोस्तों आपसे क्वेश्चन में टैकल करता हूँ। लेकिन दोस्तों रात में मैं दोस्तों आपसे लाइव आकर दोस्तों जो क्विज सीरीज है आरकेओ से हम लोग दोस्तों उसको डिस्कस करते हैं, आपके साथ बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी डेली जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, हमारे जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर दोस्तों कॉल या मैसेज करें दोस्तों, जिससे कि आपको उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जो क्लासेस की लिंक है आपको मिलती रहेंगी। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस द नेम बोथ कालिदास एंड भारवी, मतलब दोस्तों वह कौन सा ऐसा अभिलेख है दोस्तों जिसमें कालिदास और भारवी दोनों का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है दोस्तों जो एहोल इंस्क्रिप्शन दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का, जो कि चालुक्य शासक है दोस्तों, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दोस्तों जो आपका एहोल इंस्क्रिप्शन है उसमें दोस्तों इस प्रकार के जो प्रमाण है देखने को मिलते हैं दोस्तों। और इस अभिलेख में ही दोस्तों जो रचनाकार है दोस्तों वह कौन है, रवि कीर्ति है दोस्तों, रवि कीर्ति के ही द्वारा जो दोस्तों यह जो आपका अभिलेख है उसकी रचना की गई है दोस्तों। इसमें हर्षवर्धन और दोस्तों आपको जो पुलकेशिन द्वितीय है उनके बीच का वर्णन देखने को मिलता है, उनके बीच का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन देखने को मिलता है। साथ में हर्षवर्धन की जो गज सेना है, जो हाथियों की सेना है दोस्तों, उसका भी वर्णन इसी एहोल अभिलेख में मिलता है। और दोस्तों आपके जो कालिदास और भारवी का भी उल्लेख है वह इसी अभिलेख में देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर गिरनार इंस्क्रिप्शन दिया दोस्तों रुद्र दामन का, यह भी दोस्तों अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जबकि इलाहाबाद प्रशस्ति दोस्तों जो कि समुद्रगुप्त का है, इस इलाहाबाद प्रशस्ति में दोस्तों हमको किसके प्रमाण मिलते हैं, तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त का है इसमें हमको प्रमाण जो है दोस्तों जो समुद्रगुप्त का दोस्तों उस समय की तत्कालीन विजय थी दोस्तों आर्यावर्त विजय, दोस्तों आप लोगों ने दक्षिणावर्त विजय का नाम सुना होगा दोस्तों, तो उनकी विजय का जो वर्णन दोस्तों इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। और साथ में यह जो पुस्तक है, यह जो आपका इंस्क्रिप्शन दोस्तों यह लिखा गया था आपके उनके मंत्री जो हरिसेन द्वारा, उनके जो दोस्तों महत्वपूर्ण जो पुरास्थल है, सॉरी यह जो आपके प्रमाण दोस्तों हरिसेन द्वारा दोस्तों यह लिखा गया था। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका डी ए होल इंस्क्रिप्शन जो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आज के दोस्तों इस सेशन के हम यदि अंतिम प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों, तो इसका अंतिम प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों कि कार्ले रॉक कट केव वॉज एक्सकेवेटेड इन, मतलब कि दोस्तों जो कार्ले आपकी जो कर रहा कार्ले की दोस्तों जो आपकी गुफाएं हैं वह कब एक्सकेवेट की गई थी, कब उनकी खुदाई की गई थी, कब उनका निर्माण किया गया था दोस्तों, यह आपसे ऑप्शन में पूछा जा रहा है दोस्तों। इनका जो निर्माण दोस्तों तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि इनका निर्माण कब किया जा रहा था,
दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी एडी, या फिर दोस्तों सेकेंड सेंचुरी एडी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है दोस्तों इस प्रकार के जो प्रमाण है हमको देखने को मिलते हैं। कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो टेन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, मतलब दोस्तों जो राक्कट गुफाएं दोस्तों कार्ले की हैं, इनका निर्माण दोस्तों पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हमको देखने को मिलता है। प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है कि अर्लिएस्ट रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड एट, मतलब दोस्तों जो प्राचीनतम शैल चित्र के प्रमाण दोस्तों यह कहाँ से पाए गए। दोस्तों आपके सामने से कि आप देख पा रहे होंगे चार ऑप्शन दिए गए हैं, अल्तामीरा, भीमबेटका, ला मोस्टेरिया केव, या फिर दोस्तों लहरिया डी रॉक शेल्टर। दोस्तों आप सभी जानते हैं ये सभी के सभी दोस्तों महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं दोस्तों, जहां से दोस्तों हमको रॉक से जो पेंटिंग है उनके प्रमाण जो है दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि सबसे अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग कहाँ से मिला है। मैं बता दूं दोस्तों, भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग है वह आपका भीमबेटका की तरफ चला जाएगा दोस्तों, जो कि मेसोलिथिक पीरियड में आता है। मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं इस समय बात कर रहा हूँ यह दोस्तों भारत के कॉन्टेक्स्ट में, न कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन दोस्तों इसके हिसाब से जो यहाँ पर आंसर दिया गया दोस्तों, जो अल्तामीरा है दोस्तों, यह अल्तामीरा दोस्तों स्पेन की दोस्तों यह पेंटिंग है, और इसका संबंध दोस्तों आपके अपर पैलियोलिथिक पीरियड से है। जी हाँ दोस्तों, अपर पैलियोलिथिक जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल, उनसे संबंधित दोस्तों ये आपका महत्वपूर्ण पेंटिंग है। अब इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि जो रॉक पेंटिंग्स की पहली शुरुआत हुई थी या किस काल में हुई दोस्तों, तो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अपर पैलिथिक फेज में, उच्च पुरापाषाण काल में, वहीं पर दोस्तों भारत के संदर्भ में इसके प्रमाण दोस्तों हमको मेसोलिथिक पीरियड अर्थात मध्य पाषाण काल में, जिसके प्रमाण दोस्तों हमको भीमबेटका जैसे जो पुरास्थल है वहां से देखने को मिलते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये दोस्तों, अल्तामीरा मान लीजिए न दे, उसके अलावा यहीं पर दे आपको दोस्तों लास्को दे दिया होता, तब आप कंफ्यूज रहते दोस्तों। लास्को दोस्तों जो कि फ्रांस की ही पेंटिंग है, और उसका भी संबंध दोस्तों आपके उसी उच्च पुरापाषाण काल के रॉक पेंटिंग से है। दोस्तों आप सभी जानते हैं दोनों बहुत वेल फेमस पेंटिंग है, चाहे स्पेन की अल्तामीरा हो, चाहे लास्को, चाहे दोस्तों फ्रांस की हो, यह दोनों की दोनों पेंटिंग दोस्तों फ्रांस की दोस्तों, जो पश्चिमी यूरोप की दोस्तों उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, अपर पैलिथिक जो कल्चर दोस्तों, जिनमें दोस्तों मैगडेलियन कल्चर हम लोग जानते हैं। किसके नाम जानते हैं दोस्तों? मैगडेलियन कल्चर के नाम से जानते हैं दोस्तों, और इनका संबंध दोस्तों उसी यूरोप की उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति, का नाम है दोस्तों मैगडेलियन कल्चर, मैगडेलियन संस्कृति जो है दोस्तों उनसे जो है दोस्तों इनका संबंध जोड़ा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, हमने दोस्तों आपको जब उच्च पुरापाषाण काल विश्व के संदर्भ में पढ़ा दोस्तों, तो हमने आपको वहां पर बताया था कि विश्व के संदर्भ में दोस्तों जो आपका उच्च पुरापाषाण काल है पश्चिमी यूरोप की, उनको पांच भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है। इसमें हमने बताया था कि सेतेल्परेनियन हो गया, उसके पश्चात दोस्तों आपका ऑरेग्नेसियन हो गया, ग्रेवेसियन हो गया, साल्ट्रियन हो गया, और सबसे लास्ट दोस्तों आता है आपका मैगडेलियन। और इन दोनों का संबंध दोस्तों, चाहे स्पेन की अल्तामीरा हो, चाहे लास्को दोस्तों जो कि फ्रांस की आपकी रॉक पेंटिंग है, इन दोनों का संबंध दोस्तों इनमें से जो सबसे लास्ट में जो दोस्तों कल्चर आता है मैगडेलियन कल्चर या मैगडेलियन संस्कृति, उनसे जोड़ा जाता है। जबकि दोस्तों जो भीमबेटका है, इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों भारत के दोस्तों मध्य प्रदेश में आता है दोस्तों, इसका संबंध भारत में मध्य पाषाण काल से जुड़ा जाता है दोस्तों, और इस पर दोस्तों जो कार्य है वह दोस्तों आपका V.S. वाकणकर का। जी हाँ दोस्तों, V.S. वाकणकर का जो है दोस्तों आपके भीमबेटका का महत्वपूर्ण कार्य रहा है दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे एक्सक्यूशन और उसकी खोज का भी कार्य काफी अच्छे तरीके से किया है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब, मतलब कि दोस्तों जो पंजाब राज्य दोस्तों उसके लुधियाना जिले में कौन कौन से दोस्तों यह पुरास्थल हैं, जिनका संबंध दोस्तों आपके लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित पुरास्थलों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, नोह दिया गया है, अग्रोहा दिया गया है, संघोल दिया गया है, सुनेद दिया गया। ये दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप चाहे तो इसको यहाँ पर नोह कर लीजिएगा। तो कौन से ऐसे पुरास्थल हैं दोस्तों जिनका संबंध आपके इनसे दोस्तों, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जो संघोल और सुनेत हैं दोस्तों। ये दोस्तों जो संघोल और सुनेत हैं दोस्तों, यह दोनों के दोनों पुरास्थल दोस्तों आपके पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में जाने जाते हैं। हमने दोस्तों जब आपको
विश्व के संदर्भ के बाद दोस्तों जब हम लोगों ने इंडियन पॉलिटिक्स जब चीजें शुरू की दोस्तों भारत में पाषाण काल के समय शुरू किया था उस दौरान दोस्तों इन दोनों की चर्चा हमने आपसे की थी, चाहे संघोल हो चाहे सुने तो। इसका दोस्तों हम लोगों ने नोह के बारे में भी डिटेल में चर्चा की थी। यदि दोस्तों आप हमारे बैच के माध्यम से जुड़ते दोस्तों तो आपको वहां पर डिटेल में जो जानकारी है वो आपको दोस्तों प्रदान की जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न है कि विच मेथड वुड बी सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द डेटिंग ऑफ बेक्ड क्ले रिमेन्स। मतलब कि दोस्तों ऐसे किसी भी मृदभांडीय या फिर मिट्टी के अवशेष जिनको कि दोस्तों आग में पकाया गया हो उनके लिए डेटिंग मेथड कौन सी सबसे अच्छी सुटेबल होगी उनके तिथि निर्धारण के लिए, यह आपको बताना है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजी के अंदर दो प्रकार की डेटिंग मेथोडोलॉजी है, आप सभी जानते हैं। पहला है दोस्तों आपका रिलेटिव डेटिंग मेथड, जी हाँ दोस्तों रिलेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सापेक्ष तिथि विधि, और दूसरा है दोस्तों आपका एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष तिथि विधि। दोस्तों दो प्रकार की तिथि विधि है, एक सापेक्ष तिथि विधि एक निरपेक्ष तिथि विधि। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि रिलेटिव डेटिंग मेथड जो आपका होता है चाहे एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड होता है इसमें कौन कौन से आते हैं, तो हमने दोस्तों आपको बताया है जहां पर कंपरिजन हो, कंपरेटिव स्टडी हो, मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन बताया जाए, और वहां पर जो आपका डेटिंग हो वो किसी ईयर में ना निकल के बल्कि वो काउंटिंग में जो आपका तुलना है कंपैरिजन में हो जाए, तो वहां पे आपकी रिलेटिव रेटिंग होगी, और जहां पे साइंटिफिक एनालिसिस होगा साइंटिफिक गणनाएं होंगी वो आपका एब्सोल्यूट डेटिंग में आएगा। हमने आपको सभी चीजें जो है बताई थी, उसी दौरान हमने आपको बताया था कि चाहे स्थिरीकरण का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका भू आकृति विज्ञान का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका फ्लोरिन टेस्ट मेथड हो, ये जो चीजें हैं आपके रिलेटिव डेटिंग में आती हैं। बाकी दोस्तों आपका जो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है इसमें दोस्तों आपका चाहे कार्बन 14 हो चाहे पोटेशियम आर्गन हो, ये जो डेटिंग है दोस्तों चाहे आपका थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग हो, ये सभी के सभी दोस्तों आपके एब्सोल्यूट डेटिंग में आते हैं। अब इसी में से दोस्तों आपका जो मिट्टी के दोस्तों बने हुए दोस्तों आपके अवशेष होते हैं जिनको आग में पकाया गया दोस्तों, उनका प्रयोग दोस्तों आपके टीएल डेटिंग, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीएल डेटिंग कहते हैं दोस्तों, उसको पूरा नाम होता है थर्मोलेमेंसिस डेटिंग, और दोस्तों इसको हिंदी में उष्मादीप्ति तिथि विधि कहा जाता है, जी दोस्तों उष्मादीप्ति तिथि विधि के रूप में जानते हैं। और दोस्तों इसका प्रयोग हर एक वो वस्तु दोस्तों जो कि मट्टी की बनी है और उसे आग में पकाया गया है उसकी डेटिंग दोस्तों इस विधि के द्वारा की जा सकती है। अब इम्पोर्टेंट ये दोस्तों यहाँ पर तीन अन्य नाम भी दिए दोस्तों, यहाँ पर कार्बन 14 दिया दोस्तों, कार्बन 14 सबसे पहली बार दोस्तों जो कार्बन 14 है दोस्तों इसकी दोस्तों सबसे पहली बार एफ लिब्बी जो है दोस्तों एफ विलियर्ड लिब्बी के द्वारा दोस्तों इसकी सबसे पहले खोज की गई थी या शुरुआत की गई थी दोस्तों कब, तो 1949 में। वहीं पर दोस्तों जो पोटेशियम आर्गन दोस्तों, पोटेशियम आर्गन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है या किसकी डेटिंग निकालने के लिए किया जाता है, जैसे आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन यदि रिवर्स करके पूछ लिया जाए कि थर्मोलिमेंसिस डेटिंग किसके तिथि को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा बेग्ड क्ले रिमेन्स, मतलब कि ऐसे कोई भी मिट्टी के अवशेष जिनको आग में पकाया गया हो उनके ज्ञात करने के लिए टीएल डेटिंग प्रयोग किया जाता है। वैसे दोस्तों जो वॉल्केनिक ऐश होता है, जो ज्वालामुखी राख होता है दोस्तों, उस ज्वालामुखी राख का जब भी डेटिंग निकालना होगा दोस्तों वॉल्केनिक ऐश वॉल्केनिक डिपॉजिट का दोस्तों, तो हम पोटेशियम आर्गन जो होता है दोस्तों जिसको हम दोस्तों पोटेशियम आर्गन के नाम से जानते हैं उससे दोस्तों इसकी डेटिंग निकाली जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य भी डेटिंग है जिसको हम लोग फिशन ट्रैक विधि कहते हैं, तो इस फिशन ट्रैक विधि के माध्यम से भी दोस्तों हम लोग जो आपका ज्वालामुखी राख होता है उसका भी दोस्तों निकाल सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पोटेशियम आर्गन डेटिंग का फर्स्ट यूज कहाँ पर किया गया था, किस साइट पर किया गया था दोस्तों, तो अफ्रीका के दोस्तों एक आर्कियोलॉजिकल साइट है तंजानिया में स्थित, जिसका नाम दोस्तों ओल्डुवाई गार्ज वैली, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा ओल्डुवाई गार्ज वैली, जहां पर दोस्तों काम है एलएसबी लीकी का। एलएसबी लीकी दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे दोस्तों जिनका मृत्यु हो चुका है, और दोस्तों इनके द्वारा दोस्तों पोटेशियम आर्गन मेथड का दोस्तों सबसे पहली बार वहां की
डेटिंग निकाली गई थी दोस्तों, और वहां की डेटिंग 18 लाख या क्या समथिंग, जहां तक मुझे ध्यान में दोस्तों उसकी डेटिंग निकल कर आई थी। और सेकेंड यूज दोस्तों पोटेशियम आर्गन का जो टुर्कना लेक है दोस्तों, जो कि केन्या में स्थित है, वहां पर दोस्तों उसकी सेकेंड डेटिंग हुई थी दोस्तों, उसकी जो डेटिंग है वो 26 लाख ईसा पूर्व निकल कर आई थी। पोटेशियम आर्गन हो चाहे दोस्तों कार्बन 14 हो, चाहे पोलन एनालिसिस हो, चाहे थर्मोलेवेंसिस हो, हमने दोस्तों पेट बैच के माध्यम से इन सभी चीजों को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का कार्य किया है। इसलिए मैं दोस्तों बार बार बोलता हूँ कि यदि आप बैच में जुड़ते हैं दोस्तों, तो आपको जो सभी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत संक्षेप में चर्चा करता हूँ, ब्रीफ में चर्चा करता हूँ, वहां पर दोस्तों मैं आपसे डिटेल में चर्चा करता हूँ। इसका दोस्तों बचा यहाँ पॉलन एनालिसिस। पॉलन एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी पौधों के जो पॉलन्स होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो पॉलन कण होते हैं, परागकण होते हैं, उनके द्वारा दोस्तों विश्लेषण करके किस प्रकार के पौधे यहाँ पे पाए जाते थे, उनका अध्ययन, उनकी डेटिंग करना दोस्तों पॉलन एनालिसिस कहलाती है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका क्या होगा, तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया, इसका सही से आंसर दीजिएगा। इसको क्या करना है दोस्तों कि आपको मैचिंग कराना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। लिस्ट वन जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं इंस्क्रिप्शंस के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट टू में दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं रूलर्स के नाम दिए गए हैं। इन दोनों को दोस्तों क्या करना है कि आपको दोस्तों मैच कराना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन है, यह किस काल का है, यह किसके शासन काल का है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सारनाथ बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन जो है दोस्तों, यह आपके दोस्तों कनिष्क के शासन काल का है। किसके शासन काल का दोस्तों, कनिष्क के शासन काल का है। जबकि दोस्तों जो मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, जो मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन है, यह किसके शासन काल का है दोस्तों, मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन दोस्तों कुषाण वंश के शासक दोस्तों आपके हुविस्क जो है उनके शासन काल का है। जबकि दोस्तों बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको होलियो का पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसमें कुछ अतिरिक्त बताने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। हेलियोडोरस के द्वारा दोस्तों, यह जो आपका हेलियोडोरस के द्वारा जो भागवत धर्म के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो जानकारी प्राप्त होती है, वह दोस्तों इसी बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन के द्वारा दोस्तों जानकारी इसकी प्राप्त होती है। बचा दोस्तों आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन दोस्तों सुदर्शन लेक के बारे में, सुदर्शन झील जो दोस्तों उसके बारे में जो प्रमाण है वह प्रदान करता है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने दोस्तों जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत ही डिटेल में अच्छे से दोस्तों क्लास में बताया हुआ है कि जो यह झील का निर्माण है दोस्तों, ये अलग अलग शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अलग हुआ, पहली बार निर्माण किया गया, अशोक के शासन काल में इसकी वृद्धि की गई, उसके पश्चात दोस्तों जो आपके रुद्रदामन है इनके द्वारा दोस्तों इनका जीर्णोद्धार कराया गया, और स्कंद गुप्त के शासन काल में अंतिम बार जो दोस्तों इसका मरम्मत कराया गया था। तो यह जो दोस्तों हमने सभी चीजें जो शासन काल में, यह जो सौराष्ट्र के जो गुजरात का जो सौराष्ट्र प्रांत है वहां पर स्थित यह महत्वपूर्ण दोस्तों झील है, और इसका निर्माण का चाहे इसके मरम्मत का जो उल्लेख दोस्तों इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन प्रथम का है उसमें देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न क्या है कि द नेम ऑफ गॉडेज उमा अपीयर्स ऑन द क्वाइंस ऑफ विच डायनेस्टी। मतलब कि दोस्तों कौन से गुप्त शासक या फिर कौन से ऐसे शासक है दोस्तों, जिनकी सिक्कों पर दोस्तों मुद्राओं पर देवी उमा का जो नाम है या फिर दोस्तों उनका जो अंकन है वह देखने को मिलता है। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, इंडो ग्रीक शासकों के, शक शासकों के, कुषाण शासकों के, या फिर दोस्तों गुप्त शासकों के। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यह आपको बताना है कि देवी उमा का अंकन दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देवी उमा का अंकन जो है दोस्तों, जो कुषाण शासक हैं उनकी मुद्राओं पर जो दोस्तों हमको देवी उमा का अंकन जो है दोस्तों देखने को मिलता है। अब आपके एग्जाम में दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे शिव पार्वती का अंकन कहाँ से मिलता है, शिव का त्रिशूल लिए हुए नंदी के साथ अंकन कहाँ से मिलता है, इसके अलावा दोस्तों जो त्रिदेव हैं उनका अंकन कहाँ पर मिलता है। तो अलग अलग शासकों के द्वारा दोस्तों अपने समय काल में विशिष्ट प्रकार की जो स्पेसिफिक क्वाइंस हैं, मुद्राएं हैं दोस्तों, उनका प्रचलन किया गया। जैसे दोस्तों तीन भाषाओं में लिखित मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, द्विभाषा में लिखित मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है, ये जो है दोस्तों हमने आपको डिटेल में अच्छे से क्लास के माध्यम से बता रखा है। आप दोस्तों चाहेंगे तो उसको जाकर अच्छे से देख और समझ सकते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न ये दोस्तों कि द क्वाइंस ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय वर इशूड इन। मतलब कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा दोस्तों जो सिक्के जारी किए गए थे वह किस माध्यम में जारी किए गए थे, यह आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गोल्ड किया गया था कि कॉपर किया गया था कि सिल्वर किया गया था कि ब्रॉन्ज किया गया था, मतलब कि सोना, कि तांबा, कि चांदी, कि कांस्य,
किसके सिक्के जारी किए गए दोस्तों, ये आपको बताने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनके शासनकाल में दोस्तों जो स्वर्ण के सिक्के हैं वह जारी किए गए थे, और जो चांदी के सिक्के दोस्तों वह जारी किए गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, सबसे पहले जो है दोस्तों आपके क्वाइंस जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है उसका सबसे द्वारा जो गोल्ड क्वाइंस है और दोस्तों जो सिल्वर क्वाइंस है उनका जो प्रयोग है इनके द्वारा किया गया था। आगे चलते दोस्तों साहब, मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि दोस्तों ये जो गुप्त शासकों में पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने दोस्तों ताम्र के सिक्के अर्थात तांबे के जो सिक्के दोस्तों उसका प्रचलन किया था। दोस्तों जो रामगुप्त हैं जो कि एक दुर्बल शासक था दोस्तों, उसके द्वारा सबसे पहली बार जो तांबे के सिक्के हैं कॉपर क्वाइंस जो है उसका प्रचलन दोस्तों गुप्त काल में हमको देखने को मिलता है। हमने दोस्तों प्रत्येक शासकों के चाहे कुमारगुप्त प्रथम हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, स्कंदगुप्त हो, आपके चंद्रगुप्त प्रथम हो, ये जी जितने भी दोस्तों शासक रहे हैं उनके द्वारा जो भी सिक्कों का मुद्राओं का प्रचलन किया गया दोस्तों, उन सभी के बारे में दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में आपके साथ चर्चा की है। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको असर्शंस एंड रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, कथन और कारण क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जिसको कि आपको इसको पढ़ के उसके बाद बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। असरसन दोस्तों कहा गया है कि द किंग प्रियदर्शन द बिलव्ड ऑफ द गॉड डज नॉट कंसीडर आइदर फेम और रिनॉन हियर एज अ ग्रेट वैल्यू इन लाइफ ऑफ द, वहीं पर दोस्तों इसका रीजन दिया गया, इट इज दैट ऑल पीपल मे बी सेव्ड फ्रॉम द डेंजर ऑफ बैड लिविंग। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जो आपको असर्शंस एंड रीजन पढ़ने के पश्चात बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं या फिर गलत हैं, या फिर इनमें से कोई एक सही है कोई एक गलत है या फिर दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दोस्तों जो आपके असर्शंस एंड रीजन दिए गए दोस्तों ये दोनों के दोनों जो फैक्ट है दोस्तों वह बिल्कुल सही है। इस वजह दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा बोथ ए एंड आर इज जो है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हु इज द फाउंडर ऑफ पशुपत रिलीजन। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शैव धर्म के अंतर्गत दोस्तों कई सारे जो संप्रदाय हैं उनका हमको नाम देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आपका भैरव संप्रदाय का नाम सुना होगा, पाशुपत्य संप्रदाय का नाम सुना होगा दोस्तों, तो उसी में से दोस्तों जो पाशुपत संप्रदाय है उसके संस्थापक का नाम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों शांतिनाथ पहला दिया गया दोस्तों, दूसरा दिया गया दोस्तों श्रीकर पंडित, तीसरा दिया गया दोस्तों पुराण कश्यप, और चौथा दिया गया दोस्तों आपका लकुलिस। आप सभी जानते हैं दोस्तों बताने के अतिरिक्त आवश्यकता है नहीं दोस्तों, जो पाशुपत संप्रदाय है दोस्तों इसकी स्थापना जो लकुलिस दोस्तों इनके द्वारा की गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब मेरा प्रश्न दोस्तों आपसे ये है, आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि जो भैरव संप्रदाय है दोस्तों, भैरव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि भैरव संप्रदाय दोस्तों जो कि शैव धर्म का ही संप्रदाय है उसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने कपालिक संप्रदाय का भी नाम सुना होगा, उनका भी संबंध दोस्तों आपको इसी शैव धर्म से है, आपको जानना चाहिए। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज प्राइमरली मतलब दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह प्राथमिक रूप से क्या था, मुख्य रूप से क्या था। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस है, शैव धर्म का यह केंद्र था, वैष्णव धर्म का केंद्र था, बौद्धिस्ट विहार था, या फिर जैन सेंटर था। इसमें दोस्तों तो कुछ अतिरिक्त बताने की आवश्यकता है नहीं, इसमें तो आप सभी बच्चे जानते ही होंगे, ये दोस्तों एक बौद्धिस्ट विहार था जहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपके पठन पाठन है उनका कार्य जो दोस्तों यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में किया जाता था। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके एग्जाम के लिए यह पूछ लिया जाता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक रूप में किसे जानते हैं, और दूसरा क्वेश्चन पूछा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अपने प्राचीन काल में अपने विश्वविद्यालय प्रक्रिया को लेकर यूनिवर्सिटीज करिकुलम को लेकर जो वर्ल्ड फेमस था, आखिर इसको नष्ट किसके द्वारा किया गया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी, उनके शासनकाल में जो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको पूर्ण रूप से जो दोस्तों क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, उसमें आग लगा दी गई और दोस्तों इसके पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, विनष्ट कर दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा। अब मेरा प्रश्न आपसे दोस्तों कि यह जो नालंदा यूनिवर्सिटी एक गुप्त शासक के द्वारा दोस्तों इसका जो निर्माण दोस्तों वो कराया गया था, तो मेरा प्रश्न आपसे कि ये बताएं ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं, किसके शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से
आप जरूर बताएं। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस स्टेट्स दैट जनरेशन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी वॉज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ धर्म। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। ये आपके जो अशोक से संबंधित दोस्तों पिलर की बात कर रहा है कि अशोक ने किस पिलर में दोस्तों जो सर्वधर्म समभाव मतलब कि सभी जो जितने भी वर्ग हैं दोस्तों उनके बीच में क्या होना चाहिए दोस्तों, उनके बीच में समान भाव होना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों यह किस पिलर में दिया गया दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं पिलर इडिक्ट 5 में, रॉक इडिक्ट 8 में, रॉक इडिक्ट 7 में, या फिर रुम्मिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 12 मतलब सी दोस्तों, मतलब इसमें जो रॉक इडिक्ट 12 है दोस्तों उसमें जो है दोस्तों इसके प्रमाण जो है दोस्तों हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रश्न तब चलते दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि एट व्हाट साइट अ सील ऑफ पर्सियन गल्फ ओरिजिन हैज बीन फाउंड। मतलब कि दोस्तों आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन का जैसे कि तो आपके यहाँ पर जो चार पुरास्थलों के नाम दिखाई दे रहे हैं, यह चारों के चारों पुरास्थल दोस्तों आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में पर्सियन गल्फ ओरिजिन का जो सील मिला है, जो मुहर मिला है, इसके प्रमाण किस पुरास्थल से मिले दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं इसके जो प्रमाण दोस्तों ये आपके जो लोथल पुरास्थल है वहां से देखने को मिलता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं लोथल एक ऐसा पुरास्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जो ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, फेमस था। लोथल से दोस्तों हमको डॉकयार्ड के भी प्रमाण मिले हैं, और दोस्तों वहां से पर्शियन गल्फ के लिए जो दोस्तों जो ट्रेडिंग होती थी उसके भी प्रमाण दोस्तों इसी जो पर्शियन गल्फ ओरिजिन की दोस्तों जो सील मिली है उससे जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है इसके एविडेंस का कि भैया ये पर्शियन गल्फ से इनका ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, इसके भी प्रमाण आपको लोथल से देखने को मिलते हैं। लोथल दोस्तों ये जो आपका साइट है, यह दोस्तों साइट को एक्सकेवेट किया गया था SR राव के द्वारा, और दोस्तों यह जो पूरा स्थल, ये भोगवा जो रिवर है, भोगवा जो नदी है उसके तट पर स्थित दोस्तों यह महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। आगे चलते दोस्तों आगे अपने फैक्ट की तरह दोस्तों, यहाँ पर बाकी भी दोस्तों आपके फैक्ट दिए गए हैं। लोथल दोस्तों चावल के साक्ष्य के लिए तो फेमस है ही दोस्तों, साथ में रंगपुर भी दोस्तों चावल के साक्ष्य के लिए फेमस है। जबकि दोस्तों जो आपको यहाँ पर धौलावीर आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, दोस्तों धौलावीर आर्कियोलॉजिकल साइट एकमात्र ऐसा थ्रू आउट इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगर है जहाँ के नगरों को, जहाँ के सिटी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, सिटाडेल, लोअर सिटी और मिडिल सिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग थी, जो नगर नियोजन था, उसमें नगरों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता था, एक सिटाडेल जिसमें उच्च वर्ग के लोग, हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहते थे, और दूसरा लोअर टाउन जिसमें निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से थ्रू आउट इंडस वैली सिविलाइजेशन में केवल और केवल इस नगर को तीन भागों में विभाजित किया गया था, सिटाडेल जिसमें सबसे हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहते थे, लोअर टाउन जिसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे, और मध्यस्थ वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका मिडिल क्लास सोसाइटी का निर्माण किया गया था। अब धौलावीरा दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, इसी धौलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट से इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्क्रिप्टेड आपका जो इंस्क्रिप्शन है उसके भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों धौलावीरा जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये वाटर मैनेजमेंट प्रणाली अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग जल प्रबंधन प्रणाली कहते हैं, इसके भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हैं। और धौलावीरा दोस्तों, धौल का मतलब होता है वाइट, वीरा का मतलब होता है कुआं या वेल, तो सफेद कुओं का जो शहर दोस्तों यह धौलावीरा को कहा जाता है। जबकि दोस्तों बचा आपका कालीबंगा, कालीबंगा दोस्तों आपके इसका अर्थ होता है ब्लैक बंगल्स, काली चूड़ियों का प्रदेश, और कालीबंगा दोस्तों अपने यहाँ पे अग्नि वेदिकाओं के, फायर अल्टर्स के जो प्रमाण है उनके लिए फेमस है, और यह से प्लाउडेड फील्ड अर्थात जूते हुए जो खेत हैं इनके भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हैं। और इसी कालीबंगा पूरा स्थल से एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के प्रमाण, इसमें दोस्तों चना और सरसों इन दोनों के उगाए जाने के जो प्रमाण है यह कालीबंगा से प्राप्त। तो ऐसे दोस्तों यदि आप डिटेल में अध्ययन करेंगे तो बहुत आसानी से दोस्तों अपने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, जिसमें आर्कियोलॉजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसानी दोस्तों आप लोग क्रैक कर ले जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हाथ जोड़ के दोस्तों आप सभी से निवेदन है, हम आपके दोस्तों लगातार आर्कियोलॉजी संबंधित क्वेश्चन सीरीज लेके आते रहते हैं दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते रहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब
जरूर करें। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ क्वेटा वैली आर। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो आपका क्वेटा वैली है दोस्तों, आप सभी जानते हैं नवपाषाण काल के संदर्भ में दोस्तों, जब आप नवपाषाण काल के आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखते हैं, पुरास्थलों को देखते हैं दोस्तों, तो वहां पर आप जब दोस्तों उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो आपके नवपाषाण काल के संदर्भ में दोस्तों वहां के जो क्षेत्र हैं उनको मुख्यतः दो भागों में, जो स्वात वैली है और क्वेटा वैली है, उसके रूप में जाना जाता है दोस्तों। और क्वेटा वैली में दोस्तों दो बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों, एक है दोस्तों आपका किले गुल मोहम्मद और दूसरा दोस्तों आपका दम्ब सादात। यह जो दोनों के दोनों पुरास्थल दोस्तों ये आपके क्वेटा वैली से संबंधित है, जबकि दोस्तों जो स्वात वैली है इसी के आसपास में दोस्तों आपका क्या है, स्वात वैली है। यह दोस्तों सभी के सभी जो पुरातन वहां पर आपसे इसमें चर्चा करें दोस्तों, यह नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण वैली के रूप में, अभी पुरातनों के रूप में जाना जाते हैं, इनका संबंध न्योलिथिक फेज से है, न्योलिथिक जो नवपाषाण काल है उससे है। वहीं पर दोस्तों यदि स्वात वैली से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इन द केस में दोस्तों, जो स्वात वैली है, जो स्वात घाटी है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पुरास्थल है वह है दोस्तों आपके लोए बन, लो ए बन, और दूसरा दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट जो इंपॉर्टेंट है वो है अलीग्राम। लोए बन और अलीग्राम जो है दोस्तों यह स्वात वैली से संबंधित है, जबकि किले गुल मोहम्मद और जो दम्ब सादात है दोस्तों यह आपके क्या कहते हैं दोस्तों, जो आपका क्या कहते हैं क्वेटा वैली है, इनसे संबंधित नियोलिथिक साइट के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पुरातन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार जो है दोस्तों यह पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, ध्यान में आ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि आपको इन चीजों का ध्यान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी होगा, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब मेरा दोस्तों आपसे छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोस्तों जो किले गुल मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके एक्सकेवेटर का नाम क्या है और यह किस नदी के तट पर स्थित है, यह आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है राणा गुंडई, राणा गुंडई जो दोस्तों, राणा गुंडई जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो ऑप्शन नंबर थ्री में आपको दिया गया है, राणा गुंडई दोस्तों यहां से प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के दोस्तों जो प्री हड़प्पन कल्चर है उसके बारे में प्रमाण प्राप्त होते हैं दोस्तों। साथ में प्री हड़प्पन कल्चर दोस्तों जहां प्राप्त होते ही हैं, यहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों जो घोड़े के दांत के प्रमाण हैं वह भी प्राप्त होते हैं, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों इसके ऊपर दिया गया है कुल्ली, कुल्ली से दोस्तों यहां पर कुल्ली कल्चर के प्रमाण मिले हैं, जो कि दोस्तों आपका प्री हड़प्पन कल्चर प्राक सैंदव संस्कृति के रूप में जानी जाती है, जो कि दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये आपको बैच में ऑलरेडी पढ़ाया भी जा चुका है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एट विच साइट ओवरलैप ऑफ हड़प्पन एंड पेंटेड ग्रेवियर, पेंटेड ग्रेवियर को दोस्तों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PGW और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड परंपर। तो कौन सी दोस्तों हड़प्पन साइट है जहां पर हड़प्पा जो है दोस्तों वह पेंटेड जो ग्रेवियर दोस्तों से ओवरलैप हो रहे दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। इसका सही आंसर होगा, आप सभी जानते हैं दोस्तों जो भगवानपुरा आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, यहाँ से PGW दोस्तों जो हड़प्पा है इन दोनों के साक्ष दोस्तों देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों भगवानपुरा से तो मिले ही मिले हैं, अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि PGW किस काल से संबंधित है, ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत के संदर्भ में जो आयरन एज है, जो लौह युग है, ये अलग अलग समय में देखने को मिलता है। जब आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर जो आयरन एज का पीरियड है वो PGW का काल कहलाता है, वह पेंटेड ग्रेवियर का काल कहलाता है। लेकिन जब आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां पर जो आयरन एज है वो मेगालिथिक कल्चर से जुड़ जाता है, बृहत पाषाण काल जिसको हम लोग महापाषाण काल परंपरा भी कहते हैं, मेगालिथिक कल्चर भी कहते हैं, उनसे जोड़ दिया जाता है, क्योंकि मेगालिथिक कल्चर के साथ वहां पर जो आयरन एज है वो एसोसिएट होता है, और वहां पर जो मृदभांड आयरन एज के हैं वह PGW नहीं है बल्कि क्या है, वो है वहां पे BRW। नॉर्थ इंडिया में आयरन एज के साथ एसोसिएट होता है जो आपकी पॉटरी वो होती है PGW, जबकि साउथ इंडिया में जो आयरन एज के साथ जो एसोसिएट होती है पॉटरी वह है BRW ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इस चीज को, इस फैक्ट को जो है आप लोग ध्यान में रखे रहिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वह पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आप सभी से बस निवेदन ये रहता है कि अच्छे से उनको पढ़ें, दिमाग में रखें, और कहीं पर भी दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन आए तो हम आप सभी के लिए हर समय 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप जब भी चाहें तो दोस्तों आप
कमेंट बॉक्स के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर जो चैनल का नंबर दिया है दोस्तों आप उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक की जो चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर दो लिस्ट के नाम दिए गए हैं, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अब लिस्ट वन में दोस्तों जो नाम दिए गए हैं ये शासकों के द्वारा जो जारी सिक्के थे, इशूड क्वाइंस थे, उनके नाम दिए गए हैं, जबकि दोस्तों ये किस शासक के द्वारा जारी किए गए थे दूसरा यहाँ पर ये नाम दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों को जो आपका नाम दिया गया लिस्ट वन में किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ क्वाइंस, मतलब कि राजा रानी प्रकार का सिक्का। दूसरा दिया गया दोस्तों चक्र विक्रम टाइप ऑफ क्वाइंस, मतलब चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का। तीसरा अप्रतिक प्रकार टाइप क्वाइंस, मतलब कि अप्रतिक प्रकार का सिक्का। और चौथा स्टैंडर्ड बियरर टाइप ऑफ क्वाइंस, मतलब कि जो स्टैंडर्ड बियरर टाइप ऑफ जो क्वाइंस है यह किसका है। तो यह दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ क्वाइंस है दोस्तों यह सबसे पहली बार दोस्तों चलाया गया था गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। जी दोस्तों जो चंद्रगुप्त प्रथम थे दोस्तों इनके द्वारा जो है दोस्तों सबसे पहली बार यह जो आपका किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ क्वाइंस था वह चलाया गया था, जबकि दोस्तों जो चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सबसे पहले चलाया गया था, इशू किया गया था, जबकि दोस्तों जो अप्रतिक प्रकार की सिक्का है यह कुमार गुप्त के शासनकाल में इशू किया गया था। बचा दोस्तों लास्ट ये अपने आप क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों सभी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है कि समुद्रगुप्त के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख जारी किए गए, सिक्के जारी किए गए, मैंने आपको बताया अश्वमेध प्रकार का सिक्का इन्होंने ही जारी किया था, इनके द्वारा वीड़ा वादन प्रकार का भी सिक्का जारी किया गया था मैंने आपको बताया। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के रूप में भी जानते हैं, जिसमें रचनाकार के रूप में हरिसेन का नाम लिया जाता है कि हरिसेन के द्वारा जो है आपका जो प्रयाग प्रशस्ति है वह लिखा गया था। ठीक है, वहीं पर कुमार गुप्त संबंधित हमने कई सारे जो आपके अभिलेख हैं उनकी चर्चा आपसे की बताया था हमने, तो आप सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखें और कोई भी फैक्ट्स में कोई कंफ्यूजन है दोस्तों तो हम कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि टेराकोटा बोट मॉडल वॉज फाउंड फ्रॉम, मतलब कि दोस्तों टेराकोटा का मतलब होता है मृण मूर्ति। टेराकोटा का मतलब क्या होता है, मृण मूर्ति। मृण का मतलब होता है मिट्टी और मूर्ति का मतलब होता है स्टैचूज या फिर प्रतिमा कह लीजिए। तो टेराकोटा का मतलब कि मिट्टी का बना हुआ जो नाव का मॉडल है, जो खिलौना है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों लोथल से, दूसरा कालीबंगा से, तीसरा भिराणा से, चौथा फरमाना से। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो लोथल है यहाँ से टेराकोटा का जो बोट मॉडल है, जो आपके दोस्तों नाव का मिट्टी से बना हुआ जो खिलौना है यह यहाँ से प्राप्त हुआ था। मैंने कालीबंगा के बारे में दोस्तों आप सभी को अभी कुछ देर पहले बताया ही कि दोस्तों जो कालीबंगा पुरास्थल ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यह जो पुरास्थल दोस्तों यह राजस्थान का जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित सरस्वती नदी के तट पर, जिसको दोस्तों वर्तमान में हम घग्गर नदी भी कहते हैं, उसके रूप में दोस्तों यह स्थित पुरास्थल था। और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा, ए घोष के द्वारा 1952 में किया गया, और दोस्तों बाद में दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन का कार्य बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा दोस्तों किया गया। यहाँ से दोस्तों हम सभी ने बताया है कि यह दोस्तों आपका जो पुरास्थल है यहाँ से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और दोस्तों इसे काले रंग की जो चूड़िया का प्रदेश कहा जाता था इसके भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये भी बता दूं जो कालीबंगा पुरास्थल है दोस्तों यहाँ से भूकंप के जो आपके साक्ष्य है दोस्तों ये सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं, और यहीं से दोस्तों कालीबंगा से ही ऊंट के हड्डियों के भी जो प्रमाण है वह प्राप्त है। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह फेमस है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो फैक्ट है, जो चीजें हैं वह समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि मॉर्टिमर व्हीलर हैज एक्सकेवेटेड फॉलोइंग साइट्स,
मतलब कि दोस्तों मार्टिमर व्हीलर के द्वारा कौन सी साइट है जिसे एक्सकेवेट किया गया, यह आपको बताना है। अब बहुत सा सिंपल सा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसकी जो साइट है दोस्तों वह कौन कौन सी उन्होंने एक्सकेवेट किया था। दोस्तों मार्टिमर व्हीलर ने अपने शासन काल में जो ब्रह्मगिरी और अरिका मेडू है इसको इन्होंने एक्सकेवेट किया था। ब्रह्मगिरी दोस्तों जहां तक हमें ध्यान में आ रहा है 1947 में, और अरिका मेडू दोस्तों को ध्यान में आ रहा है शायद ये 1945 के आसपास जो दोस्तों ये अरिका मेडू इन्होंने एक्सकेवेट किया था। अब इंपॉर्टेंट ये दोस्तों कि जब भी आप मार्टिमर व्हीलर को दोस्तों याद करें तो मार्टिमर व्हीलर को कुछ चीजों के लिए आप जरूर ध्यान में रखें कि दोस्तों जो आर्कियोलॉजी में कॉन्सेप्ट है स्टेटिग्राफी का, स्थलीकरण का, यह आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि दोस्तों जो इस एक्सकेवेशन में ये यूज किया जाता है स्टेटिग्राफी एज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में, यह पहले दोस्तों यूज किया जाता था जियोलॉजी में, जिसको हम लोग बोलते हैं भू तत्व विज्ञान या फिर भूगर्भ विज्ञान के रूप में जानते हैं। लेकिन यह जो आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट वर्तमान में एक्सकेवेशन में यूज किया जाता है ये वहां से लिया गया, और इसका सबसे पहली बार आर्कियोलॉजी में यूज किया था सरपिट रिवर्स के द्वारा। तो वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में पिट रिवर्स ने सबसे पहली बार आर्कियोलॉजी में जो आपका क्या कहता है स्टेटिग्राफी का कॉन्सेप्ट उसको यूज किया, लेकिन भारत के संदर्भ में जिन्होंने स्टेटिग्राफी को यूज किया एक्सकेवेशन में सबसे पहली बार, वह थे दोस्तों यही आपके सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ही जो है सबसे पहली बार जो आपका एक्सकेवेशन था उसमें स्टेटिग्राफी को यूज किया गया। और मार्टिमर व्हीलर के शासन काल में जो आपके साइंटिफिक एक्सकेवेशन है इसकी शुरुआत की गई, और इनके पहले मार्टिमर व्हीलर के पहले फिर ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि फिर स्तरों का निर्धारण कैसे होता था, आखिर कैसे मेजरमेंट लिया जाता था कि ये स्टैटिक जो स्ट्रेटा है वो कैसे डिसाइड करता था। तो पहले जो समुद्र का जल का स्तर होता था ये उससे निर्धारित किया जाता था, और जॉन मार्शल जो सर जॉन मार्शल हैं जिनकी अध्यक्षता में जो आपका हड़प्पन शासन पूछा गया, उन्होंने अपने शासन काल में स्तरों का निर्धारण जल जो आपका समुद्री जल होता था उसके स्तर से वो निर्धारित करते थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए भी हुए हैं इसीलिए आपको बताना भी आवश्यक है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न दोस्तों आपको असर्शंस एंड रीजंस दिए गए हैं जिनको कि दोस्तों आपको बताना है कि कौन से फैक्ट सही हैं और कौन से फैक्ट गलत है। दोस्तों सबसे पहला फैक्ट दिया गया है कि रोमन क्वाइंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक सिटीज इन साउथ इंडिया। मतलब कि दोस्तों जो रोमन प्रकार के सिक्के हैं इनका बहुसंख्यक मात्रा में जो प्रमाण है यह जो आपके साउथ इंडिया है जो दक्षिण भारत है उनके ऐतिहासिक शहरों से इनके प्रमाण मिले हैं। पहला फैक्ट दिया, कथन दिया गया, असम्पशन दिया गया। रीजन क्या है कि अर्ली हिस्टोरिक रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया हैड मेंटेनेंड द फ्लोरिशिंग ट्रेड विद द रोमन वर्ल्ड। मतलब कि दोस्तों जो आपके प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दोस्तों जो शासक रहे हैं साउथ इंडिया के, उन्होंने अपने व्यापार को रोमन साम्राज्य के साथ दोस्तों क्या रखा, बनाए रखा। जिसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहां पर दोस्तों असर्शंस एंड रीजन दोनों फैक्ट सही है दोस्तों, और जो ए है दोस्तों जो आर है वो इसका सही एक्सप्रेशन करता है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे अभी कुछ देर पहले मैंने अरिका मेडू आर्कियोलॉजिकल साइट पढ़ाया जिसको कि एक्सकेवेट किया था मार्टिमर व्हीलर ने। दोस्तों अरिका मेडू आर्कियोलॉजिकल साइट से ही हमको रोमन साम्राज्य से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रकार के जो प्रमाण है देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके रोमन पॉटरीज हो, चाहे आपको रोमन क्वाइंस हो, या फिर अदर जितने भी आपके आर्टिफैक्ट्स हैं रोमन प्रकार के, इनके प्रमाण हमको इन पुरास्थलों से, इनके आसपास के जो पुरास्थल हैं देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से जो वहां के रोमन साम्राज्य जो रोमन रूलर है जिसका नाम है राजा किंग ऑगस्टस, किंग ऑगस्टस का जो क्वाइन है वो भी यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। रोमन प्रकार के जो मृदभांड जिसको हम लोग एरेटाइन मृदभांड, एम्फोरा मृदभांड या रोलेटेड वे जिसको हम लोग बोलते हैं, इनके भी प्रमाण जो है यहाँ से अरिका मेडू जो पुरास्थल है वहां से प्राप्त है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज। अब आप सभी जानते दोस्तों इंडियन कॉन्टिनेंट में, दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तीन प्रकार के टेम्पल आर्किटेक्चर के टेम्पल स्टाइल्स के प्रमाण मिलते हैं, जिसको दोस्तों हम लोग जानते हैं नागर टेम्पल ऑफ स्टाइल जो कि दोस्तों आपके नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर था, उसके पश्चात दोस्तों द्रविड़ियन टेम्पल आर्किटेक्चर दोस्तों जो कि आपके साउथ इंडिया में दोस्तों आप फेमस था, जबकि दोस्तों जो मिडिल रीजन है दोस्तों इंडिया का मध्य भारत का जो क्षेत्र है वहां पर बेसर जो शैली दोस्तों मंदिरों के निर्माण की वह प्रचलित थी। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि दोस्तों जो बेसर टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल था उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या था। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि ओवल शेप प्लान, स्क्वायर शेप प्लान, स्टेलेट
स्टार शेप प्लान या फिर ट्रायंगुलर शेप प्लान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको तो आपको बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो स्टार शेप प्लान है यह आपके बेसर मंदिरों के महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक्स में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि द मेन करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मेगालिथिक कल्चर इज, मतलब कि दोस्तों जो मेगालिथिक कल्चर है, मैंने अभी बताया दोस्तों जो मेगालिथिक कल्चर है यह साउथ इंडिया में आयरन एज को रिप्रेजेंट करती है, लौह युग को प्रदाती है। दोस्तों तो मेगालिथिक का मतलब दोस्तों आपके नाम से स्पष्ट है, मेगा का मतलब होता है दोस्तों अब क्या कहते हैं जाइंट या फिर ह्यूज, और लिथिक का मतलब होता है दोस्तों पत्थर या फिर स्टोन, मतलब कि दोस्तों बड़े बड़े पत्थरों से जो बनी हुई संरचनाएं हैं उनके आधार पर दोस्तों इनका नाम मेगालिथिक कल्चर रखा गया। तो इसका मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों आपको बताना है। तो पहला दिया गया दोस्तों लार्ज स्टोन बरियल्स, लार्ज ब्रिक्स बरियल, लार्ज स्टोन टेम्पल्स या फिर लार्ज ब्रिक टेम्पल्स। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जो ये आपका मेगालिथिक कल्चर है ये अपने ह्यूमन बरियल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, चाहे दोस्तों आपका सिस्ट ह्यूमन बरियल हो, चाहे डोलेमन सिस्ट बरियल्स हो, अर्न बरियल्स हो, जो कई प्रकार के जो आपके ह्यूमन बरियल्स हैं मानव समाधान है दोस्तों, जिनके किनारों पर जो ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, जो महापाषाणिक संरचनाएं हैं वह देखने को मिलती है, और यही कारण है दोस्तों कि यह बड़ा फेमस हो जाती है। और दोस्तों ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यह लार्ज स्टोन बरियल्स के लिए फेमस है दोस्तों, और मेगालिथिक को दोस्तों एसोसिएट किया जाता है आयरन एज से, लौह युग से, और दोस्तों यहाँ से लौह युग जो आपके आयरन टूल्स हैं इनके प्रमाण इस काल में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, और दोस्तों इनसे संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण दोस्तों क्या कहते हैं कि इनसे संबंधित जो दोस्तों महत्वपूर्ण पॉटरीज है, जो मृदभांड है दोस्तों वह है आपका BRW, जिसको दोस्तों ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं, इनके प्रमाण दिखाई देते हैं। और दोस्तों आज के इस सेशन के सबसे अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट अ क्लॉथ इंप्रेशन ऑन सिल्वर जार फाउंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि दोस्तों वह कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से दोस्तों एक क्लॉथ का इंप्रेशन मिला है दोस्तों सिल्वर जार के ऊपर, दोस्तों मतलब कि चांदी के बने हुए जार के ऊपर, ये प्रमाण कहाँ से प्राप्त है। दोस्तों मैंने आपको इसको ऑलरेडी पढ़ा रखा है दोस्तों, जब हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस थे और उनसे संबंधित जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे हम आपको डिस्कस कर रहे थे, तो उसी दौरान मैंने आपको बताया कि दोस्तों जो कॉटन क्लॉथ है इसके इंप्रेशन का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, कि जो चांदी की जार है दोस्तों सिल्वर जार है वहां से इसके प्रमाण दोस्तों प्राप्त हुए हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसको 1922 में RD बनर्जी द्वारा, राखल दास बनर्जी द्वारा दोस्तों एक्सकवेट किया गया सबसे पहली बार, और दोस्तों यह निर्देशन किसके निर्देशन में इसकी खोज की गई थी, तो सर जॉन मार्शल दोस्तों निर्देशक थे, और दोस्तों इसके एक्सकवेटर का काम उनके अंडर में किया था RD बनर्जी ने। इसके पहले दोस्तों आपका एक महत्वपूर्ण पुरातत्व हड़प्पा जो था 1921 में उसको खोदा गया था, जिसको दोस्तों आपके दयाराम सानी ने, वो भी दोस्तों अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो दोस्तों के नाम से स्पष्ट है मृतकों का शहर कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों इस मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, जबकि दोस्तों मोहनजोदड़ो दोस्तों ये अपने आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितने भी आप इंपॉर्टेंट आपके नाम सुने होंगे, चाहे द ग्रेट बाथ महान स्नानागार या बृहद स्नानागार का नाम सुना होगा, चाहे पशुपति की जो सील है, जो मुहर है पशुपति की, आपने उसे सुना होगा, या फिर डांसिंग गर्ल की जो स्टैचूज है, जो मूर्ति है, उसके नाम सुने होंगे, ये सभी के सभी दोस्तों जो प्रमाण है आपके मोहनजोदड़ो से इनको प्राप्त किया गया है, या फिर दोस्तों जो पुरोहित जो पृष्ठ की स्टैचू, जो पुरोहित की मूर्ति है, इसके भी प्रमाण आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। तो ये जो फैक्ट है आप ध्यान रखिएगा, बनावली दोस्तों ये हल्के जो हल है उसके नमूने के लिए फेमस है दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बी में दोस्तों ऑप्शन दिया गया है आलमगीरपुर, यहाँ पे आलमगीरपुर होना चाहिए दोस्तों, आलमगीरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसके जो फोर जो आपके मोस्ट क्या कहते हैं कि कॉर्नर वाले दोस्तों जो आपके आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसमें आपका नॉर्दर्न का जो आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों वह आपका मांडा, साउदर्न जो आपका साइट दोस्तों आपका है आलम क्या कहते हैं कि दोस्तों दायमाबाद, जो आपका दोस्तों ईस्टर्न साइट सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईस्टर्न साइट है दोस्तों आपका आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है दोस्तों, जबकि दोस्तों आपका वेस्टर्न साइट की बात करते हैं तो वेस्टर्न में दोस्तों आपका आ जाता है सुतकांगेडोर, जो कि दोस्तों बलूचिस्तान में स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल। जैसे कुछ आपके फैक्ट दोस्तों जिनको कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करते दोस्तों कि जो फैक्ट है आपको समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की
लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच दिया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि एट विच साइट माइकोसियस रेडवेयर वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि दोस्तों जो माइकोसियस रेडवेयर है, जो लाल पात्र परंपराएं दोस्तों, इनके प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं पहली बार दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, प्रभास पाटन, लोथल, पादरी या फिर लंगनाज। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो लोथल है दोस्तों, वहां से माइकोसियस रेडवेयर जो है इनके प्रमाण पहली बार प्राप्त हुए थे। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि लोथल जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों, यह आपका प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट है एंड दिस साइट इज एक्सकेवेटेड बाई SR राव। जी हाँ दोस्तों, SR राव के द्वारा जो है ये साइट एक्सकीवेट की गई थी और दोस्तों लोथल से ही हमको डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं, जिसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं, उसके प्रमाण मिले हैं। और दोस्तों इसी लोथल से एक ऐसा सील का भी प्रमाण मिला है दोस्तों, एक ऐसी मुहर का प्रमाण मिला है जो कि फारस की खाड़ी मुद्रा प्रकार की है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना है कि फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा के प्रमाण कहाँ से मिले दोस्तों, वह मिले हैं आपके लोथल से। हमने अभी कुछ देर पहले दोस्तों जो अब चीजें हैं, हमने आपको जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हम आपसे बैच में डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे बड़े डिटेल में लोथल के बारे में दोस्तों डिटेल में वहां पर चर्चा की गई थी और आपको जो चीजें हैं बताई गई थी। लोथल जो है दोस्तों 1954 में, 1954 में दोस्तों SR राव के द्वारा एक्सकेवेटेड यह साइट है और दोस्तों यह जो गुजरात का अहमदाबाद नगर दोस्तों, वहां पर स्थित यह पुरातत्व है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों, तो यह भोगवा नदी। कौन सा नदी दोस्तों? जो भोगवा रिवर दोस्तों, इस भोगवा नदी के तट पर स्थित यह महत्वपूर्ण पुरातत्व है और दोस्तों इसका उत्खनन और जो खोज है दोस्तों, ये SR राव के द्वारा ही किया गया। जो खोज दोस्तों ये SR राव ने 1954 में किया, जबकि दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन इन्होंने 1957 से 1958 के बीच में दोस्तों SR राव के द्वारा यहाँ पर एक्सकेवेशन का जो कार्य है यह किया गया था। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि दोस्तों जो आपका लोथल है, इसको मिनी हड़प्पा या फिर मिनी मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण मिले, जिसको लोग डॉकयार्ड कहते हैं, उनके प्रमाण मिले दोस्तों, और यहीं से पर्शियन गल्फ टाइप जो सील है दोस्तों, मतलब कि खाड़ी प्रकार की, फारस की खाड़ी प्रकार की जो मुद्रा है दोस्तों, वह भी जो है दोस्तों प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं, मैंने बताया दोस्तों अभी। इसके अलावा दोस्तों यहीं से हमको जो रिजर्व स्लिपवेयर दोस्तों, मेसोपोटामिया टाइप के दोस्तों जो रिजर्व स्लिपवेयर है, इनके भी प्रमाण यहीं से मिले हैं दोस्तों, और इसी आपके पुरास्थल से लोथल से दोस्तों आइवरी का जो स्केल है दोस्तों, उनके भी प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो दोस्तों वह पूछ लिए जाते हैं। इस चीज को जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। इसी में दोस्तों अगला एक साइट इंपॉर्टेंट दिया हुआ लंगनाज, और लंगनाज से दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। जो लंगनाज है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित आपका महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है। जी दोस्तों, गुजरात का दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है और दोस्तों इसका संबंध मेसोलिथिक पीरियड से है, मध्य पाषाण काल से है। और दोस्तों ये जो आपका मेसोलिथिक साइट लंगनाज है, ये दोस्तों एक सैंड्यून पर स्थित आपका महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, मतलब कि बालू के टीले पर स्थित दोस्तों ये आपका महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है और इसकी खोज दोस्तों 1941 में जो है दोस्तों इसको खोजा गया था। और दोस्तों इसी हम इसके उत्खनन की बात करते हैं कि किसके एक्सकेवेटर कौन है, इसके उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों, तो उसमें नाम लिया जाता है HD संकालिया का। HD संकालिया जो दोस्तों इनके एक्सकेवेटर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा B सुब्बाराव जो दोस्तों, इनको भी इस के एक्सकेवेटर के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और यहाँ पर KUR केनेडी के द्वारा भी जो है दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन का कार्य जो है दोस्तों वह किया गया था। तो तीनों लोगों के नाम ध्यान में रखें, HD संकालिया का, B सुब्बाराव का और KUR केनेडी का, यह जो दोनों के दोनों जो है दोस्तों इन्होंने यहाँ क्या किया गया था, एक्सकेवेशन का जो कार्य दोस्तों यहाँ से किया गया था। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों कि लंगनाज से 14 ह्यूमन स्केलेटन्स, मतलब कि 14 मानव कंकाल के जो प्रमाण दोस्तों वह प्राप्त हुए थे। इसलिए दोस्तों ये जो बड़ा फेमस आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है कि वह कौन सा पुरास्थल है दोस्तों, जहां से मेसोलिथिक साइट में गुजरात के क्षेत्र में 14 मानव कंकालों के प्रमाण मिले दोस्तों, यही जो क्षेत्र दोस्तों यहाँ से मिला हुआ है। और दूसरा
किया दोस्तों, किस प्रकार का आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, तो ये सैंड्यून साइट है, मतलब कि बालू के टीले पर स्थित यह महत्वपूर्ण पुरास्थल। और यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में लगातार जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के जो प्रमाण है वह प्राप्त होते हैं, क्या कुछ इनका संबंध है दोस्तों। तो हमने आपको अभी कुछ देर पहले इनके जो प्रमाण बताए उनको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो इनको भूलना नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न ये दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव रिवील्ड मेसोलिथिक रिमेंस, मतलब दोस्तों इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों जहां से मेसोलिथिक रिमेंस, मतलब दोस्तों जो मध्य पाषाणिक पुरावशेष हैं इनके प्रमाण प्राप्त हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बीरभानपुर, दूसरा बुर्जहोम, तीसरा बाघोर और चौथा पटपरा। कहां से दोस्तों इसके प्रमाण है दोस्तों, चारों के चारों दोस्तों जो आर्कियोलॉजिकल साइट हैं ये वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट हैं। तो दोस्तों कहां से इनके प्रमाण जो दोस्तों देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों जो आपका बीरभानपुर और बागोर पुरास्थल दोस्तों, यहां से जो मेसोलिथिक रिमेंस है दोस्तों, मध्य पाषाणिक जो आपके प्रमाण दोस्तों यहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों, ये सभी के सभी पुरास्थल दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा दोस्तों। जो बाघोर दोस्तों आपका यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, यह बाघोर और दोस्तों आपका जो बीरभानपुर दोस्तों, यह दोनों के दोनों पुरास्थलों के जो प्रमाण दोस्तों यहाँ से हमको मेसोलिथिक रिमेंस जो दोस्तों इनके प्रमाण यहाँ से दिखाई देते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो आपका बाघोर आर्कियोलॉजिकल साइट है, ध्यान दीजिएगा ये बाघोर होगा, बाघोर आर्कियोलॉजिकल साइट जो दोस्तों, यह बाघोर आर्कियोलॉजिकल साइट बनास नदी के तट पर, किस पे दोस्तों, जो बनास रिवर दोस्तों उसके तट पर यह स्थित आपका महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और जिस टीले पर दोस्तों यह आपका बागोर रिवर है उसको महासती भी कहा गया है। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि बागोर के टीले को क्या कहा जाता था स्थानीय रूप में, तो वहां पर महासती कहा गया है। और दोस्तों बागोर के एक्सकेवेटर के रूप में किसे जाना जाता है या फिर किसने बागोर का उत्खनन किया, दोस्तों इन्होंने एक्सकेवेशन किया, उनका नाम दोस्तों वी एन मिश्र के द्वारा जो है दोस्तों इस जो साइट है उसका एक्सकेवेटर के रूप में इनको जाना जाता है। और दोस्तों साथ में वी एन मिश्रा के साथ दोस्तों जर्मनी के अर्थात जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट, उनका नाम था एल एस लेसनिक जो दोस्तों इनके द्वारा जो है यह भी इन्होंने दोस्तों आपके बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट जो है दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया। और दोस्तों यह एक्सकेवेशन 1971 में किया गया। और दोस्तों इसके जो आपके निर्देशन थे इस एक्सकेवेशन के, जो निर्देशक थे दोस्तों, जो डायरेक्टर थे वह थे आपके बी एन मिश्रा, और बी एन मिश्रा के साथ दोस्तों एसएलएस नेस्लिक के द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन का कार्य किया गया। अब आपको ये भी जानना चाहिए दोस्तों, जो बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसकी हम चर्चा यहाँ पर आपको कर रहे हैं, यह भारत का सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट है, बिगेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका बागोर है यह भारत का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण, जो प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ से दोस्तों आपके मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं, ताम्र पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं और लौह युग। दोस्तों जब बागोर आप, हमने आपको बताया था कि जब आप बागोर देखते हैं दोस्तों, तो बागोर को आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हो इनके कल्चरल सिग्निफिकेंस के हिसाब से दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका सबसे पहला दोस्तों जो आपका बागोर फर्स्ट है वह दोस्तों आपके मेसोलिथिक साइट से संबंधित है, जो बागोर सेकेंड दोस्तों उसका संबंध दोस्तों आपके बागोर थर्ड है उसका संबंध चालकोलिथिक एवं आयरन एज से है, चालको लिथिक जिसको दोस्तों हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं, और तीसरा दोस्तों आपका आयरन एज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लौह युग कहते हैं, इनसे संबंधित जो तीन कालों के जो प्रमाण दोस्तों बागोर में देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में काफी जो महत्वपूर्ण दोस्तों पुरास्थल है उनके प्रमाण जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब इसी में दोस्तों एक आपका महत्वपूर्ण पुरास्थल है बीरभानपुर, और बीरभानपुर से दोस्तों आपके एग्जाम में
जो प्रश्न है ये लगातार जो दोस्तों वह पूछे जाते हैं कि भैया जो बीर भानपुर पुरास्थल है इसके एक्सकेवेटर के रूप में किसे जाना जाता है, बीर भानपुर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो जो बीर भानपुर दोस्तों इसकी खोज की बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो खोज है यह किसके द्वारा की गई दोस्तों, बीर भानपुर की खोज 1954 में बी लाल के दोस्तों, जो बी लाल है ब्रिजवासी लाल जो दोस्तों, इनके द्वारा ये जो आपका बीरभान आर्कियोलॉजिकल साइट है उसमें इसका एक्सकेवेशन किया गया। और दोस्तों बी लाल ने दोस्तों यहाँ पर 1954 में लिमिटेड एक्सकेवेशन सबसे पहली बार कराया दोस्तों, लिमिटेड एक्सकेवेशन दोस्तों बी लाल के द्वारा ही कराया गया था दोस्तों। यहाँ पर उत्खनन भी दोस्तों बी लाल ने ही किया सबसे पहली बार 1954 में ही, बाद में दोस्तों वीबी लाल के द्वारा ही दोस्तों यहाँ पर 1957 में यहाँ पर बृहद स्तर पर जो दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन का कार्य किया गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों आपका पुरास्थल है, यह पुरास्थल दोस्तों पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, वेस्ट बंगाल का दोस्तों जो आपका वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है उस वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में स्थित दोस्तों आपका यह मेसोलिथिक साइट है। और दोस्तों ये आपके दामोदर नदी के बाएं तट पर स्थित नदी है, दामोदर रिवर जो दोस्तों दामोदर नदी के बाएं तट पर लेफ्ट हैंड पे जो दोस्तों आपका यह महत्वपूर्ण जो आपका पूरा स्थल है यह स्थित है। ये दोनों से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी दोस्तों आपका बुर्जहोम पूरा स्थल है, बुर्जहोम दोस्तों आप सभी जानते होंगे, बुर्जहोम दोस्तों आपका एक नियोलिथिक साइट है। और दोस्तों बुर्जहोम पूरा स्थल आप सभी जानते हैं, बुर्जहोम दोस्तों आपके डी टेरा एंड टी पेटरसन द्वारा 1953 में खोजा गया था, डी टेरा एंड दोस्तों टी पेटरसन के द्वारा जो है दोस्तों यह जो आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों बुर्जहोम उसका क्या किया गया था, खोज किया गया था, वो भी कब दोस्तों, तो 1935 में। वहीं पर दोस्तों यदि हम इनके उत्खनन की बात करते हैं, एक्सकेवेशन की बात करते हैं दोस्तों बुर्जहोम के, तो उसका एक्सकेवेशन किया गया दोस्तों टी एन खजांची के द्वारा। जी दोस्तों जो टी एन खजांची है दोस्तों उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन का जो कार्य है ये 1953 से लेकर दोस्तों 1964 के बीच में टी एन खजांची ने दोस्तों जो बुर्जहोम आर्कियोलॉजिकल साइट है उसकी खोज एक्सकवेशन किया दोस्तों। और यह बुर्जहोम कश्मीर का स्थित दोस्तों आपका महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों जो आपका बुर्जहोम पुरास्थल है यह कश्मीर में खोजा गया सबसे पहला नियोलिथिक साइट के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बुर्जहोम से, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यह नियोलिथिक साइट है। और दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित आपका महत्वपूर्ण पुरास्थल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जब बुर्जहोम से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे तो बुर्जहोम आपके लिए क्यों फेमस है दोस्तों, तो बुर्जहोम से दोस्तों एक गड्ढे मतलब पिट ड्वेलिंग से दोस्तों वहां से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। इसके प्रमाण प्राप्त दोस्तों तो मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का जो प्रमाण दोस्तों ये कहां से प्राप्त होता है, तो दोस्तों यह प्रमाण है आपके इसी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है बुर्जहोम वहां से प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछा लिया जाता है दोस्तों, ये तो हो गया नियोलिथिक के कॉन्टेक्स्ट में कि मालिक के साथ उसके कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण बुर्जहोम से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ दे, सिंधु घाटी सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में पूछ दे, तब आपका आंसर हो जाएगा रोपण, क्योंकि रोपण से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मानव कंकाल के प्रमाण प्राप्त हुए वहां पर मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के जो प्रमाण है वह प्राप्त हुए, और नियोलिथिक फेज में बुर्जहोम वह आर्कियोलॉजिकल साइट। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच मेथड विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स। मतलब कि दोस्तों जो आपका आर्कियोलॉजिकल कल्चर से अर्थात जो आपकी पुरातात्विक से या सांस्कृतिक जो अनुक्रम है दोस्तों उनके जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ है, मतलब कि दोस्तों जो सामाजिक आर्थिक जो आपकी जीवन है उनके बारे में अच्छे से वर्णन करने के लिए कौन सा जो आपका आर्कियोलॉजी का जो मेथड है वह कौन सा सुटेबल होगा। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपका नाम दिए इसमें ऑप्शन दिया गया एथनो आर्कियोलॉजी, जिसको दोस्तों हम लोग नृतत्व नृपुरातत्व के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों आपका एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, तीसरा टाइपोलॉजी, चौथा स्टैटिग्राफी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो एथनो आर्कियोलॉजी है दोस्तों। एथनो आर्कियोलॉजी दोस्तों ये वह ब्रांच है आर्कियोलॉजी का जिसमें कि दोस्तों आर्कियोलॉजी का रिसेंट में जो आपके पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले ट्राइबल्स हैं या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी है जो कि
सबसे प्राचीन रूप में चलने आले आने वाले जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, उनको वो वर्तमान में भी क्या कर रही हैं, निर्वहन कर रही हैं। तो ये उनकी स्टडी करके कि किस प्रकार से जो पुराने चल रही परंपराओं का वो अध्ययन करके वो उस समय की प्राचीन जो प्रथाएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और ये दोस्तों आपका एथनो आर्कियोलॉजी, जिसको लोग नृ पुरातत्व के रूप में जानते हैं, ये उसका भाग है। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी दिया गया। दोस्तों एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में दोस्तों आपका यह आर्कियोलॉजी होता है जिसमें कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और वहां पर जांच के उद्देश्य जो आर्कियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वह आपका एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी होता है। जबकि दोस्तों जो टाइपोलॉजी होती है, एक समान आकार प्रकार के वस्तुओं का जो अध्ययन होता है दोस्तों, आपका टाइपोलॉजी कहलाता है। और टाइपोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों पॉटरीज में, मृद भांडों के अध्ययन में। क्योंकि दोस्तों जब दो अलग अलग मृद भांडों की जो रचना है, जो आपकी टाइपोलॉजी है, यदि वो समान होंगे, वो यदि एक प्रकार से दिखेंगे, उनके निर्माण की तकनीक एक होगी, उनपे जो डिपिक्शंस हैं, जो डिजाइन है, जो पेंटिंग्स है, यदि वो एक होगी तो उनको समकालीन माना जाएगा, कंटेम्प्रेरी माना जाएगा। यही होता है दोस्तों आपका टाइपोलॉजी। और बचा दोस्तों आपका स्टेटिग्राफी, जिसको हम लोग दोस्तों स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट बोलते हैं दोस्तों। और ये स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट, ये जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, न कि दोस्तों आपका यह आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जो स्ट्रेटिग्राफी का कॉन्सेप्ट है ये किस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों ये आर्कियोलॉजी नहीं बल्कि जियोलॉजी कॉन्सेप्ट है। जियोलॉजी दोस्तों इसको बाद में आर्कियोलॉजी में एडॉप्ट किया गया। और दोस्तों आर्कियोलॉजी में इसका सबसे पहली बार दोस्तों यूज किया पिट रिवर्स के द्वारा, जो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बार जो है इनका यूज किया गया आर्कियोलॉजी में। और पिट रिवर्स के द्वारा सबसे पहली बार जो स्टेटिग्राफी है इसको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में यूज किया गया। जबकि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि इंडिया में जो आपका स्टेटिग्राफी है उसका यूज किसने किया दोस्तों, तो उसका यूज किया था मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो मार्टिमर व्हीलर हैं उनके द्वारा दोस्तों सबसे पहली बार इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो आपका एक्सकेवेशन है उसमें सबसे पहली बार जो स्टेटिग्राफी है, जो आपका स्तरीकरण का कॉन्सेप्ट है, उसको यूज किया गया। और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दोस्तों आपका जो साइंटिफिक एक्सकेवेशन है भारत में उसकी शुरुआत की जाती है। अब प्रश्न ये आपके दिमाग में उठना चाहिए कि जो स्टेटिग्राफी है इसके यूज होने से पहले कौन सा जो मेथड यूज किया जाता था, जो स्ट्रेटा था इनके मेजरमेंट के लिए, स्तरों के निर्धारण के लिए दोस्तों, तो जो समुद्री जल स्तर होते थे उनका यूज किया जाता था। और वो यूज करते थे दोस्तों आपके सर जॉन मार्शल। तो मार्टिमर व्हीलर से पहले स्तरों का निर्धारण समुद्री जल विधि के जो स्तर होते थे उनके निर्धारित होते थे और उनका यूज सर जॉन मार्शल करते थे। लेकिन बाद में जब आए आपके मार्टिमर व्हीलर, तो उन्होंने जो स्टेटिग्राफी कॉन्सेप्ट है इसको इन्होंने एडॉप्ट किया। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से दोस्तों आपको मैच कराना है। लिस्ट वन में दोस्तों आपके बुक्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट टू में दोस्तों उनके ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। इनका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको क्या करना है बताना है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, इनका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है भैया, मैच कराना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो आपका प्री हिस्टोरिक इंडियन रॉक पेंटिंग्स हैं। दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक रॉक इंडियन पेंटिंग्स हैं यह दोस्तों आपके लिखे गए हैं ई न्यूमेयर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो ई न्यूमेयर हैं इनके द्वारा तो इंडियन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बुक्स लिखी गए हैं। जबकि स्टोन एज कल्चर्स ऑफ बेल्लारी दोस्तों ये जो आपकी रचना है यह लिखी गई दोस्तों आपके बी सुब्बा राव के द्वारा। वहीं पर दोस्तों द मेसोलिथिक एज इन मिर्जापुर जो है दोस्तों यह लिखा गया है दोस्तों आपके आर के वर्मा के द्वारा। बाकी दोस्तों आपके जो न्योलिथिक ओरिजिन्स पुस्तक हैं यह लिखा गया है पी सिंह के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, आर के वर्मा से आपको एक चीज ध्यान में आनी चाहिए दोस्तों। आर के वर्मा ने दोस्तों जो आपके मिर्जापुर के तीन बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल है, मोरहाना पहाड़, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपकी बगही खोर और लेखैया, इनके एक्सकेवेशन में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जबकि दोस्तों बी सुब्बा राव आप सभी जानते हैं, इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि स्टोन इज कल्चर्स ऑफ बेल्लारी, ये बी सुब्बा राव ने लिखा है दोस्तों। लेकिन इनकी एक और भी पुस्तक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप देख रहे हैं और आप सिंसियर हो पढ़ने के प्रति, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि इन अर्ली हड़प्पन स्टेज पिट ड्वेलिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट।
मतलब कि दोस्तों आपके हड़प्पा के प्रारंभिक चरणों में जो आपके पिट ड्वेलिंग्स हैं, गड्ढा घर हैं, गड्ढों के जो प्रमाण हैं, ये उनके या गर्त निवास, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में गर्त निवास के जो प्रमाण है, उनके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया, फरमाना, धौलावीरा, हड़प्पा या फिर वीरराणा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वीरराणा से जो है दोस्तों, इस प्रकार के जो पिट ड्वेलिंग्स हैं, इनके प्रमाण जो है दोस्तों देखने को मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जो वीरराणा है, वीरराणा दोस्तों आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हरियाणा में स्थित आपका पुरास्थल है, और वीरराणा से दोस्तों हाकरा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले दोस्तों? हाकरा जो कल्चर है दोस्तों, इसके जो प्रमाण है दोस्तों आपके, यह भिराना से प्राप्त हैं, और हाकरा कल्चर ही दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपके जो आपका ये हाकरा कल्चर दोस्तों यहाँ प्रारंभिक चरण में गर्त आवास के जो प्रमाण है यहाँ से दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। और यहीं से दोस्तों आपकी इस हाकरा सॉरी भिराना पुरास्थल से दोस्तों हमको चौसर के जो बोर्ड जैसे गेम की जो मुहरें हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हैं। बाकी दोस्तों आप सभी जानते हैं हड़प्पा वो पहला आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, जिसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा गया था, और वो दोस्तों खोजा गया था 1921 में, 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो दयाराम साहनी है दोस्तों, इनके द्वारा यह जो आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, इसको क्या किया गया था? एक्सकिवेट या खोजा गया था, दयाराम साहनी। वहीं पर दोस्तों इनसे संबंधित एक अन्य बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों मोहनजोदाड़ो, ये 1922 में आरडी बनर्जी द्वारा खोजा गया था। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, जो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली जो रिपोर्टेड साइट थी दोस्तों थी आपकी हड़प्पा, इसीलिए दोस्तों आपके इसको हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो धौलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट दिया हुआ है, धौलावीरा दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, क्योंकि दोस्तों धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है दोस्तों जो कि टाउन प्लानिंग के हिसाब से तीन भागों में बटा हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते थे, आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग पढ़ी होगी। यदि आप लोगों ने दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की नगर विन्यास को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगरों को दो भागों में बांटा जाता था समानता, लेकिन एकमात्र ऐसा नगर दोस्तों धौलावीरा है जो कि तीन भागों में बटा है, और दोस्तों धौलावीरा को खोजा था जेपी जोशी के द्वारा। जैसे जो जेपी जोशी हैं, इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो धौलावीरा है इसको खोजा गया था, और वहीं पर दोस्तों इसकी जो आपके एक्सकेवेशन थे, इसके जो एक्सकेवेटर थे दोस्तों, इसका जो उत्खननकर्ता के रूप में जिन्हें देखने को मिलता है, वह किया गया दोस्तों आपके 1967 से 1968 के बीच में आर एस विस्ट के द्वारा। जैसे जो धौलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके एक्सकेवेटर के रूप में आर एस विस्ट को जाना जाता है दोस्तों, और धौलावीरा को दोस्तों हम लोग लेक सिटी के रूप में जानते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि झीलों का शहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है दोस्तों? जो धौलावीरा है ये लेक सिटी के रूप में, झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और धौलावीरा एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों इंडिया में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसमें कर्क रेखा है, इस पर स्थित यह पुरास्थल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था जो कर्क रेखा है दोस्तों, इस पर यह स्थित पुरास्थल है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों धौलावीरा से कई सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस के प्रमाण मिलते हैं, जैसे यहीं से खगोलीय प्रयोगशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के प्रमाण मिले हैं। इसी धौलावीरा से दोस्तों आपकी दो बड़े महत्वपूर्ण नदियां जो है दोस्तों, मनसर और मनहर से दोस्तों निर्मित जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपकी दोस्तों जल प्रबंधन प्रणाली है, इसके भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। दो नदियों के नाम एकदम याद कर लीजिएगा, मनहर और मनसर। कौन कौन सी दोस्तों? मनहर और दोस्तों दूसरी है मनसर। दोनों नदियों के नाम याद कीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और दोस्तों यह धौलावीरा से ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा लिपि युक्त स्क्रिप्टेड जो आपके एविडेंस है दोस्तों धौलावीरा से ही प्राप्त है, और यहाँ से दोस्तों 9 से 10 अक्षरों वाला लिपि युक्त जो प्रमाण दोस्तों इसके एंट्रेंस गेट जो दोस्तों जिसका मुख्य प्रवेश द्वार है वहां से प्राप्त हुआ है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्योलिथिक साइट आर डेटेड टू 6 to 7 मिलेनियम बीसी। तो कौन सा ऐसा नवपाषाण पुरास्थल है दोस्तों जो कि 6 से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन है झूसी, लहुरा देवा, चिरांद या फिर महगरा। बताएं भाई इसका सही आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो झूसी और लहुरा देवा है दोस्तों, यह न्यूलिथिक साइट है दोस्तों, जबकि आपके दोस्तों जो महगरा है यह आपका मेसोलिथिक साइट है। ठीक है,
आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए झूसी लहुरा देवा दोनों को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है। झूसी और लहुरा देवा दोस्तों जो पूरा स्थल है ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बनते रहते हैं भैया, जो झूसी है या फिर लहुरा देवा है यहाँ से क्या कुछ प्रमाण भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो जब हम बात करते हैं लहुरा देवा की दोस्तों, जो लहुरा देवा है यहाँ से चावल के साथ के दोस्तों ये काफी फेमस आपका पूरा स्थल दोस्तों लहुरा देवा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको महगड़ा को मेसोलिथिक साइट बताया दोस्तों, महगड़ा जो है दोस्तों यह भी दोस्तों आपका एक न्योलिथिक साइट है दोस्तों, जिसकी खोज 1975 टू 1976 के बीच में दोस्तों की गई थी, और इसी महगड़ा पुरातत्व दोस्तों जो पशुओं का बाड़ा है उसके प्रमाण प्राप्त हुए थे। इस चीज को प्लीज आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं, जबकि दोस्तों चिरांद, चिरांद दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार आया है, ये बिहार में स्थित आपका पुरास्थल है, जबकि निहाल नियोलिथिक साइट है। और दोस्तों चिरांद से जो आपको जो पुरास्थल है वहां से कम्युनिटी कुकिंग सेंटर, जिसको हम लोग सार्वजनिक भोजन बनाने के केंद्र के रूप में जो जानते हैं दोस्तों, उसके प्रमाण प्राप्त हैं। और चिरांद से दोस्तों अग्निकांड के जो प्रमाण है वह दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इस भारत में दोस्तों जो आपका ये जो चिरांद पुरास्थल है, ये नवपाषाण संस्कृति दोस्तों भारी मात्रा में जो विविध प्रकार के जो हड्डी के उपकरण दोस्तों, ये चिरांद इनके लिए फेमस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो हैं यह पूछे जाते हैं, इन फैक्ट को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन आए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जरा तो कि लहुरा देवा पुरास्थल कहाँ पर स्थित है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि लहुरा देवा पुरास्थल कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि ऑन द टॉप ऑफ बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस देयर इज अ सरमाउंटिंग फिगर ऑफ गरुड़। दूसरा जो रीजन दिया गया है, इट इंडिकेट्स द रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेनर्स फॉर वैश्मनिज्म। अब देखिए ये assertions and reason वाले questions को हम लोग की कथन और कारण वाले क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, AR टाइप क्वेश्चन कहते हैं, वह फॉर्म में दिया गया है। पहला जो आपके assertions दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया है कि जो हेलियोडोरस का बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है दोस्तों आपका, उसमें जो आपका ऊपर सरमाउंटिंग जो फिगर दोस्तों वहां पर गरुड़ का जो फिगर है वो देखने को मिलता है। वहीं पर दोस्तों जो रीजन दिया गया आपके, ये जो आपका पिलर है दोस्तों यह दिखाता है कि जो विदेशी थे ये वैष्णविज्म से क्या थे, उनका वो प्रभाव प्रभावित थे या फिर ये उनका सम्मान करते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी जो है दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ए और आर जो दोस्तों यहाँ पर दिए गए वो क्या है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में या आपके प्रश्न पूछा जाता है कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित कराया था, तो ये हेलियोडोरस ने कराया था। किस धर्म के बारे में बात करता है, भागवत संप्रदाय की बात करता है, और दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो आपका बेसनगर स्थित में स्थित है। कभी कभी इसको गरुड़ इंस्क्रिप्शन के रूप में भी जानते हैं, और वहां पर कभी कभी आपके नाम भी पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द बुद्धा वॉज फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेड एंथ्रोमॉर्फिकली ऑन द क्वाइंस ऑफ, मतलब कि दोस्तों भगवान बुद्ध का मानव आकृति में सबसे पहली बार रिप्रेजेंटेशन, उनका जो आपका क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व कब किया गया था, किसके सिक्कों पर किया गया था दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं मेनांडर, दूसरा ऑप्शन दिया गया दोस्तों वासुदेव, तीसरा हुविस्क, चौथा कनिष्क प्रथम। इसका सही आंसर दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो कनिष्क का बौद्धो टाइप क्वाइंस था, बौद्धो प्रकार का जो सिक्का था दोस्तों, उस पर मैत्रेय बुद्ध का अंकन देखने को मिलता है। मैत्रेय बुद्ध का अंकन होने वाला दोस्तों जो प्रथम क्वाइन था दोस्तों, वो कनिष्क के शासन काल में चलाया गया था, और कनिष्क दोस्तों आपके कुषाण वंश से संबंधित शासक है, और दोस्तों इनके सिक्कों पर सबसे पहली बार एंथ्रोमॉर्फिक फिगर जो दोस्तों आपका बुद्ध का है वह देखने को मिलता है। अब आपको ये जानना चाहिए कि दोस्तों कुषाण काल के पहले पहले भगवान बुद्ध का मानव रूप में अंकन नहीं मिलता है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध हैं ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसीलिए इनके मानव रूप में जो आपके अंकन है ये बहुत बाद में, उनकी मृत्यु के बहुत बाद में जाकर, कुषाण काल में जाकर जो है धीरे धीरे ये कोशिश करते हैं कि भैया अंकन से कहीं पर ये जो आपके इनके संग के लोग हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उनमें फूट न पड़ जाए, उनमें दिक्कतें ना आ जाए, इसलिए बड़ा इन्होंने आगे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट किया। बाद में जैसे जैसे इन लोगों ने लोगों के रिएक्शंस देखे, लोगों के प्रभाव देखे, उसके हिसाब से फाइनली जो आपका कुषाण काल है उसमें आपके जो आपका इनका क्या है कि इनका जो डिपिक्शन है वो एंथ्रोमॉर्फिक फिगर में अर्थात मानव आकृति में देखने को मिलता है। खैर मैं जब आपको आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा तो स्कल्पचर जो आपका डिफ्रेंसिएशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर इन चीजों को जरूर डिस्कस करूंगा। अगला प्रश्न है
कि हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द गोल्ड क्वाइंस, मतलब कि दोस्तों इनमें से चारों में से कौन ऐसा है जिसके द्वारा गोल्ड क्वाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, चालू किया गया, प्रारंभ किया गया, शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने गया है डेमेट्रियस, विमकट फिशेज, कनिष्क प्रथम या फिर कुजुलकट फिशेज। भैया ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं कुषाण वंश के शासक है, मैं आपको बता देता हूं इनमें से एक को छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर ए को छोड़ दीजिए, बाकी हमने आपको बताया कनिष्क के सिक्कों में बौद्ध का अंकन मिलता है, भगवान बुद्ध का अंकन मिलता है, इनके द्वारा नहीं किया गया। जो कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लास्ट में इसका आंसर आपको बता दूंगा कि क्या होगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ आज के, कि टू सिल्वर सील्स विथ द यूनिकॉर्न मोटिफ वर डिस्कवर्ड एट, मतलब कि दोस्तों दो ऐसी मुद्राओं के मुहरों के प्रमाण कहां से मिले हैं जिन पर कि एक सिंग वाले जो आपका पशु है उसका अंकन देखने को मिलता है, यूनिकॉर्न मोटिफ मतलब उसी का यूनिकॉर्न मतलब एक सिंगी पशु। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा कालीबंगा और चौथा सुत्कांगेडोर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इसके प्रमाण दोस्तों मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों जितने भी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों आपके महत्वपूर्ण पुरास्थल है। मोहनजोदड़ो की बात करते दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित और पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है वहां पर लरकाना जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित यह पुरास्थल है, और आपके सिंधु जो रिवर है उसके दोस्तों दाएं तट पर स्थित आपका पुरास्थल, और इसकी जो खोज है दोस्तों यह 1922 में दोस्तों आर डी बनर्जी के द्वारा दोस्तों जो है यह जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है इसकी खोज की गई, और बाद में दोस्तों यहाँ पर राखाल दास बनर्जी द्वारा और जे एच मैकी के द्वारा दोस्तों समय समय पर यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया, और सबसे पहली बार दोस्तों 1922 से 1972 के बीच में दोस्तों आर डी बनर्जी ने राखाल दास बनर्जी का दोस्तों यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया, और बाद में दोस्तों 1927 से 1931 के बीच में दोस्तों यहाँ पर जे एच मैके के द्वारा जो है दोस्तों एक्सकेवेशन किया गया। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को स्पिरिचुअल सिटी के रूप में भी जाना जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि वह कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल, इसको स्पिरिचुअल सिटी या फिर आध्यात्मिक नगर के रूप में जानते हैं दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है इसको स्पिरिचुअल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो माउंट ऑफ डेड मतलब कि मृतकों का टीला होता है, और दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही स्तूप के भी प्रमाण मिले, इसीलिए इसको स्तूप का शहर कहते हैं, और दोस्तों यह स्तूप आपके कुषाण काल का है, कुषाण पीरियड का है, और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि यह स्तूप कनिष्क के शासन काल का माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदड़ो पुरास्थल को सिंध का बाग भी कहा गया है, क्या कहा गया है, सिंध का बाग, गार्डन ऑफ सिंध, ठीक है, सिंध का बाग भी कहा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। इवन दोस्तों मोहनजोदड़ो से इतने इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेज मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, एज लाइक पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, नर्तकी की जो कांसे की मूर्ति मतलब डांसिंग ब्रांस गर्ल की जो स्टैचूज है इनके प्रमाण कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले, द ग्रेट बाथ ये कहाँ से मिला है, आपका बृहद स्नानागार यहीं से मिला है, जो पुरोहित की मूर्ति है पृष्ठ स्टैचू है इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले, जो चांदी के मतलब कि कोई भी बर्तन में उसमें सूती कपड़े के लपेटे हुए जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले। तो ये सभी जितने इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस हैं मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ाया है, इतने ही डिटेल में आप अपने फैक्ट को ध्यान रखिए आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका जो हड़प्पा है मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि हड़प्पा आपके राखाल दास और दयाराम सानी द्वारा 1921 में खोजा गया था। अच्छा एक चीज समझिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो एक्सकेवेशन यहाँ पर किया गया 1921 और 1922 में, इनके एक्सकेवेशन का डायरेक्टर कौन था, निर्देशक कौन था, भले ही हड़प्पा को दयाराम सानी ने खोजा या फिर एक्सकेवेट किया, वहीं पर मोहनजोदड़ो को आर डी बनर्जी ने खोजा एक्सकेवेट किया, लेकिन उसके निर्देशक कौन थे, निर्देशक का नाम पूछता है तब आप कहेंगे सर जॉन मार्शल जो है उसके क्या थे, निर्देशक थे। ठीक है, इसके पश्चात तीसरा ऑप्शन में दिया गया आपका कालीबंगा,
कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित आपका महत्वपूर्ण आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका पूरा स्थल है, और कालीबंगा आपके सरस्वती नदी जिसको हम लोग वर्तमान में घग्घर नदी कहते हैं उसके तट पर स्थित यह पूरा स्थल है। और उसकी जो खोज है कालीबंगा की, ये किसके द्वारा की गई थी? ए घोष, जिसको हम लोग अमलानंद घोष कहते हैं, इनके द्वारा जो है दोस्तों इस पूरा स्थल की खोज की गई थी। जबकि हम इनके एक्सकेवेटर की बात करते हैं तो इसका एक्सकेवेशन किया था बी बी लाल एंड बी के थापर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहीं से आपके कालीबंगा फेमस क्यों है? क्योंकि इसका नाम से स्पष्ट है, काली का मतलब होता है ब्लैक एंड बंगा का मतलब होता है बंगस, मतलब कि काली चूड़ियों के प्रदेश के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और कालीबंगा एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के प्रमाण प्राप्त करता है देता है। वहीं पर दूसरी तरफ से जो कालीबंगा पूरा स्थल है यहाँ से अग्नि वेदिकाओं के जो फायर अल्टर्स हैं इनके भी प्रमाण जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें जो है आपको बताई थी कि कालीबंगा पूरा स्थल से ही भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण जो है देखने को मिले हैं, और ऊंट के हड्डियां जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो भी आपको कालीबंगा पुरास्थल से देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहीं से आपको जो सर्जरी है, जो शल्य चिकित्सा है, उसके भी प्रमाण कालीबंगा से मिले हुए हैं। और वहीं पर दोस्तों आपका अंतिम जो पॉइंट है सुत कांगेडोर, ये आपका सुत कांगेडोर जो है दोस्तों आपका यह कहाँ पर स्थित पुरास्थल है? तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है वहां पर स्थित है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सभी चीजें जो है आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया। वहीं पे दोस्तों इसके पहले वाला जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिम कट फिशेज हैं इन्होंने सबसे पहली बार जो गोल्ड क्वाइंस उनको इन्होंने क्या किया था, चालू किया था। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों चर्चा आपसे की। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस दोस्तों आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आपके पास वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। दोस्तों हम आपके लिए लगातार ऐसे ही मेहनत करके दोस्तों वीडियोज बनाते हैं। निवेदन ये दोस्तों की आर्कियोलॉजी का एकमात्र चैनल है दोस्तों जो कि आपको ऐसी वीडियोज प्रोवाइड कराता है। तो निवेदन है दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी दोस्त हैं दोस्तों शेयर करें उनके साथ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या और हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं। तो मिलते हैं प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न ये है कि विच साइट इन इंडिया हैज रिवील्ड एविडेंस फॉर अर्लीस्ट हर्ड्स, मतलब कि दोस्तों भारत का वह कौन सा ऐसा पुरा स्थल है दोस्तों जहां से भारत में सबसे प्रारंभिक जो झोपड़ी के साक्ष्य हैं वह प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, हुनसगी, पैसरा, चिरकी निवासा या फिर दोस्तों डिडवाना। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। अब देखिए यह दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो पैसरा पुरा स्थल है, पैसरा से दोस्तों आपके जो अर्लीस्ट हॉर्ट्स हैं, जो प्रारंभिक झोपड़ियां हैं, इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों इसमें दो बड़े अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल दिए गए हैं, एक दिया गया दोस्तों आपका हुनसगी और दूसरा दिया गया दोस्तों आपका चिरकी निवासा। दोस्तों जो चिरकी निवासा है इनके आपके एग्जाम में दोस्तों एक्सकेवेटर का नाम पूछ लिया जाता है, यहाँ पर जिसने एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन का कार्य किया दोस्तों उनका नाम है गुडरून कार्विनस। ये दोस्तों गुडरून कार्विनस के द्वारा जो दोस्तों चिरकी निवास पर कार्य किया गया, जबकि दोस्तों जो आपका हुनसगी है यहाँ पर कार्य दोस्तों आपके के पदैया का रहा है। जी दोस्तों, के पदैया ने दोस्तों आपका जो हुनसगी वैली है यहाँ पर इन्होंने कार्य किया। दोस्तों हुनसगी जो पूरा स्थल है ये आपके कर्नाटक का जो जो अनंगबाड़ी जो क्षेत्र है दोस्तों, सॉरी गुलबर्गा जिले जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वहां पर दोस्तों आपका जो पूरा स्थल है वह स्थित है आपका ये दोस्तों आपका हुनसगी वैली, और यहाँ पर दोस्तों जो कार्य है ये के पदैया के द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया था। वहीं पर दोस्तों यदि हम चिरकी निवासा की बात करते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं चिरकी निवासा दोस्तों आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित जो आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों वहां पर स्थित यह पुरास्थल, और यहां पर जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहां पर कार्य आपके गुडरून कार्विनस के द्वारा जो दोस्तों यह कार्य किया गया। बाकी दोस्तों डिडवाना आप जानते हैं राजस्थान का अब आपका महत्वपूर्ण साइट है, और दोस्तों डिडवाना से जमाओं के भी प्रमाण मिले हैं। जब दोस्तों हम आपको राजस्थान से संबंधित जब आप पुरास्थलों की चर्चा कर रहे थे तो वहां से दोस्तों जब डिडवाना से हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहां के जो जमाव थे जब हम लोग वहां पर डिस्कस कर रहे थे तो उसके बारे में हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था, बताया था कि किस प्रकार से दोस्तों आपका जो जायल जमाव है, जो डिडवाना जमाव है, उसके प्रमाण जो यहाँ से प्राप्त हो रहे थे।
उस दौरान हमने आपको इन सभी चीजों की जो चर्चा है वहां पर किया था, और सभी फैक्ट जो है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए समान मात्रा में उतने ही फेमस है। तो इन फैक्ट्स दोस्तों अपने दिमाग में रखें, और कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स माध्यम से आप फ्री है, या फिर चैनल का दिया गया नंबर है उस पर भी कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपको संबंध दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेटेड मेसोलिथिक साइट्स हैव यील्डेड एविडेंस ऑफ फ्लेक्स्ड बरियल। मतलब कि दोस्तों जो मुड़े हुए समाधान है मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में, इसके प्रमाण कहाँ से उत्खनित मध्य पाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, लिखैया से प्राप्त हुए हैं, बगही खोर से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से प्राप्त हुए हैं, या फिर दोस्तों लंगनाज से प्राप्त हुए हैं। इसके सही आंसर क्या होंगे दोस्तों यह आपको बताना है, और इसके सही आंसर होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, कहां कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे दमदमा और लंगनाज जो पुरास्थल दोस्तों, यहां से इनके जो प्रमाण है फ्लेक्स्ड बरियल के एक्सकेवेशन के थ्रू है दोस्तों यहां पर प्राप्त हुए हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों जब हम लोग बात कर रहे हैं बगही खोर और लिखिया की, तो याद होगा दोस्तों यह जो बगही खोर और लिखिया पुरास्थल दोस्तों, यह पुरास्थल आपके मिर्जापुर के क्षेत्र में दोस्तों स्थित आपके पुरास्थल है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों आपके जो तीनों पुरास्थल हैं यह दोस्तों पुरास्थल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से दोस्तों आर के वर्मा के द्वारा दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर एक्सकेवेशन का कार्य किया गया था। वहीं पर दोस्तों जो दमदमा पुरास्थल है, ये आप सभी जानते हैं मध्य पाषाण काल का मेसोलिथिक जो आपका पुरास्थल है, मेसोलिथिक साइट जो दोस्तों उस काल का यह महत्वपूर्ण पुरास्थल है दोस्तों दमदमा, और यहाँ से काफी महत्वपूर्ण जो प्रमाण है दोस्तों वह देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये जो आपका दमदमा पुरास्थल है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं कि दमदमा का एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया, क्या कुछ चीजें थी दोस्तों, तो ध्यान रखिए दोस्तों जो दमदमा पुरास्थल है ये मध्य गंगा घाटी का एक मध्य पाषाणिक पुरास्थल है, और यहाँ पर दोस्तों जो यह जो पुरास्थल है यह पुरास्थल आपके संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहां पर एक्सकेवेशन का जो कार्य किया गया दोस्तों, यहां पर एक्सकेवेशन का कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा दोस्तों किया गया, और उस समय दोस्तों यहां पर एक्सकेवेशन का कार्य आर के वर्मा, वी डी मिश्र, जे एन पांडे और जे एन पाल के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो दमदमा पुरास्थल है यहाँ पर जो कार्य है एक्सकेवेशन का जो कार्य है यह किया गया। बाकी दोस्तों हम लोगों ने पिछले जो वीडियोस थी जो आपके उसमें दोस्तों लंगनाज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया ही था, मैंने डिटेल में दोस्तों आपको वहां पर लंगनाज के बारे में बताया भी था कि दोस्तों जो लंगनाज पुरास्थल है आप सभी जानते हैं काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है, और लंगनाज दोस्तों जो पुरास्थल ये बालू के टीले के रूप में स्थित पुरास्थल, इसकी खोज 1941 में की गई थी, और यहाँ पर लंगनाज पर एक्सकेवेशन का जो कार्य दोस्तों वो एच डी सांकलिया और दोस्तों अन्य जो बी सुब्बा राव और के यू और केनेडी दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर एक्सकेवेशन का जो कार्य है वह किया गया था। इन सभी चीजों को फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज नॉट द ऑथर ऑफ बुक इंटाइटल्ड इंडियन पैलियोग्राफी। मतलब कि दोस्तों ये जो पुस्तक है इसमें से इंडियन पैलियोग्राफी, इस पुस्तक वाले टाइटल के लेखक कौन नहीं है यह आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डी सी सरकार जो है दोस्तों इन्होंने इंडियन पैलियोग्राफी नहीं लिखी है, जबकि दोस्तों जी व्यूलर, ए एच दानी, आर बी पांडे दोस्तों यहां पर इंडियन पैलियोग्राफी जो पुस्तक है वह लिखी गई है इस टाइटल के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। दोस्तों जहां पर आपको करेक्ट आंसर देना है, लिस्ट वन में दोस्तों आपके बुक्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट टू जो है दोस्तों इनके राइटर्स के नाम दिए गए हैं, इसको आपको क्या करना है, मैच कराना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको आपको मैच कराना है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो आपका इंडियन आर्किटेक्चर है, आप सभी जानते दोस्तों जो इंडियन आर्किटेक्चर पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो इंडियन आर्किटेक्चर पुस्तक लिखा गया दोस्तों आपके पर्सी ब्राउन के द्वारा। वहीं पर दोस्तों जो एपिग्राफिकल स्टडीज इन इंडिया है, एपिग्राफिकल स्टडीज इन इंडिया दोस्तों लिखा गया डीसी सरकार के द्वारा। वहीं पर दोस्तों हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो है आप सभी जानते हैं बहुत फेमस पुस्तक है, ये लिखा गया पीवी कर्णिक द्वारा। बचा दोस्तों आपका कैटलॉग ऑफ गुप्ता गोल्ड क्वाइंस इन बयाना होल्ड, बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों, और इसको लिखा है आपके ए एस अल्तेकर ने। इस वजह से दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न असर्शंस एंड रीजन का दिया हुआ है, कथन और कारण का दिया हुआ है। इसमें असर्शन दिया गया दोस्तों कि देयर आर 30 रॉकर्स केव एट अजंता, मतलब कि दोस्तों जो आपके अजंता की गुफाएं हैं वहां पर 30 दोस्तों आपके जो रॉकट केव हैं, आपकी जो सेल गुफाएं हैं, सेल गुहाएं हैं, इनके प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। रीजन दिया गया कि देयर इज नो चैत्य हॉल एट अजंता, मतलब कि दोस्तों जो अजंता है यहाँ पर कोई भी चैत्य गुफा नहीं है, यह आपको बताना है। क्या सही है या गलत है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोस्तों जो बोथ आपके ए एंड आर ऑप्शन जो दोस्तों दिए गए वो क्या है, बिल्कुल सही है। अजंता दोस्तों आप सभी जानते हैं अजंता फेमस क्यों है दोस्तों, तो अजंता आपके रॉक कट पेंटिंग्स जो है दोस्तों इनके दोस्तों आपका काफी फेमस जो आपका जो पुरास्थल अजंता यह जाना जाता है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं अजंता को लेके, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये जो आपका अजंता पुरास्थल है यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जिसमें जातक कथाएं दोस्तों इनका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पर प्रमाण देखने को, उनकी पेंटिंग्स के रूप में जो प्रमाण दोस्तों देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वह पूछे जाते हैं। तो कोई भी फैक्ट में दोस्तों कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। अजंता के दोस्तों जब भी बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा अजंता पुरास्थल में कौन सी पेंटिंग फेमस है, कौन सी क्या है दोस्तों, हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियोस बनाने वाले हैं जल्दी, जहां पर हम आपको वहां पर उसके बारे में डिटेल में जो चर्चा है हम आपसे वहां पर करेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन दोस्तों, जो जनता गुफा है यहाँ पर दोस्तों लगभग लगभग जो मैंने आपको फैक्ट बताए कि 29 से 30 गुफाएं दोस्तों देखने को मिलती है। जनता गुफा महाराष्ट्र की औरंगाबाद जिले में स्थित गुफा है और ये बाघोरा नदी के तट पर स्थित दोस्तों यह आपका पुरास्थल है। जी दोस्तों आपका बाघोरा नदी के तट पर स्थित यह पुरास्थल दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों जो इसको खोज की गई थी यह बाघोर जो आपके अजंता केव है ये 1819 में 1819 में दोस्तों विलियम एस्किन के द्वारा जो दोस्तों यह जो आपका अजंता की गुफाएं हैं यहाँ पर खोज की गई थी, ठीक है। और दोस्तों बाकी जो चीजें मैंने फैक्ट है यहाँ पर बताई थी दोस्तों कि यहाँ पर जो आपकी सातवाहन कालीन गुफाएं हैं दोस्तों इनमें जो प्राचीन चित्र मिलते हैं ये सबसे प्राचीनतम जो चित्र हैं यहाँ पर माने गए हैं। तो दोनों फैक्ट दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हु इशूड द क्वाइंस डिपिक्टिंग द किंग सीटेड ऑन द काउच प्लेइंग द वीणा, मतलब कि दोस्तों वीणा वादन प्रकार की जो वीणा वादन प्रकार की दोस्तों मुद्रा है यह किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों, यह आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए जैसे वीणा वादन प्रकार की मुद्रा दोस्तों सामान्यतः समुद्रगुप्त की दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर समुद्रगुप्त नहीं दिया है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम, कनिष्क फर्स्ट या फिर रुद्रदामन दोस्तों। इसका सही आंसर होगा जो कुमारगुप्त प्रथम है दोस्तों, इनके द्वारा भी जो वीणा को बजाते हुए दोस्तों इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, मुद्राएं जारी की थी, इनके द्वारा भी दोस्तों जारी किए गए थे। बाकी दोस्तों कनिष्क जो आपकी फेमस है दोस्तों यह बौद्ध का अंकन करने वाले इनके जो सिक्के, इसमें मैत्रेय बौद्ध का अंकन मिलता है इनके सिक्कों पर, ये इसके लिए बड़े फेमस है कनिष्क दोस्तों। और बाकी रुद्रदामन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रुद्रदामन का दोस्तों एक जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, जिसमें कि सुदर्शन झील के निर्माण और उसके जीर्णोद्धार की बात की जाती है, ये उसके लिए फेमस है दोस्तों। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों आपके मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे पहले अभिलेख में नाम उल्लेख मिलता है वो अभिलेख है दोस्तों आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने कि द अर्लीएस्ट स्टोन टूल्स आर नोन एज, मतलब कि दोस्तों सबसे पहले जो आपके पाषाण उपकरण हैं उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों जो सबसे पहले पाषाण उपकरण थे उनको ओल्डुवान टूल्स के नाम से जाना था, और इसके सबसे पहले प्रमाण मिलते दोस्तों आपके ओल्डुवाई गार्ज वैली से। कहां से दोस्तों? जो ओल्डुवाई गार्ज वैली थी दोस्तों जो आपकी तंजानिया में स्थित आपका पुरास्थल था दोस्तों, वहां से इस प्रकार के जो आपके उपकरण सबसे पहली बार LSB लीकी, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा LSB लीकी का, उनके द्वारा दोस्तों यहां पर ओल्डुवाई वैली पर एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन का अच्छे से कार्य किया गया, और वहीं से ओल्डुवान टूल जो सबसे पहले प्राप्त किए गए, और यही ओल्डुवान टूल सबसे अर्लीस्ट स्टोन टूल्स के रूप में भी जाने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों जो एस्यूलियन टूल्स हैं, एस्यूलियन टूल्स में दोस्तों आपके दो टूल आते हैं, एक आता है दोस्तों आपका हैंड एक्स और दूसरे आते हैं दोस्तों आपके क्लीवर। तो हैंडेक्स और क्लीवर दोस्तों कंपोजिट फॉर्म में एंसुलियन टूल्स कहा जाता है, और एंसुलियन टूल्स के दोस्तों जो फर्स्ट एविडेंस है, इनके प्रथम प्रमाण जो है दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए थे, इनके प्रथम प्रमाण जो है दोस्तों सेंट एस्यूल
सेंट एस्यूल नाम का दोस्तों एक आप फ्रांस में आर्कियोलॉजिकल साइट थी, वहीं से सबसे पहली बार जो एस्यूलियन टूल्स हैं इनको प्राप्त किया गया था। जबकि दोस्तों यहाँ पर फ्लेक टूल की बात की जा रही है, फ्लेक टूल दोस्तों सबसे पहली बार जो मिडिल पैलोलिथिक पीरियड है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, इनमें सबसे पहली बार दोस्तों जो फ्लेक टूल्स हैं, इसीलिए उसको दोस्तों फ्लेक कल्चर के नाम से, फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि द आर्किटेक्चरल पार्ट्स ऑफ अ टेम्पल इन द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। मतलब दोस्तों आप सभी जानते हैं मंदिरों के निर्माण के समय में उनकी जो आपकी संरचना, स्थापत्य संरचनाएं होती हैं, उनको एक क्रम में आपको बताना है कि कौन मंदिर की संरचना में कौन सबसे नीचे इससे ऊपर की तरफ आपको बताना है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, आप लोगों ने मंदिर के निर्माण पढ़ा होगा कि मंदिर का जो सबसे निचला भाग होता है उसको अधिष्ठान कहते हैं, जो बेस वाला पार्ट होता है दोस्तों उसको अधिष्ठान कहते हैं, उसके ऊपर दोस्तों आपका भित्ति पार्ट होता है, उसके ऊपर पार्ट दोस्तों आपका कपोत, और सबसे ऊपरी भाग को दोस्तों शिखर कहा गया है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया है, द कल्चरल ट्रेडिशन एसोसिएटेड विथ होमोसेपियंस नियंडरथलेंसिस इज कॉल्ड। मतलब कि दोस्तों जो आपके होमो नियंडरथलेंसिस थे उनसे संबंधित जो संस्कृति थी उनको किन नामों से जाना जाता था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था जब हम आपसे दोस्तों वर्ल्ड पैलेटिक पढ़ा रहे थे, तो जो मुस्टेरियन कल्चर थी दोस्तों, मुस्टेरियन कल्चर के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, जो नियंडरथल हैं इनको दोस्तों मुस्टेरियन कल्चर के निर्माता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों जो मुस्टेरियन कल्चर है, लॉ मुस्टेर नामक दोस्तों आपका फ्रांस का एक पुरास्थल है, वहां से सबसे पहली बार जो मुस्टेरियन कल्चर है इनके जो प्रमाण दोस्तों वह प्राप्त हुए थे। मैंने दोस्तों आपको जब मुस्टेरियन कल्चर के दोस्तों जो प्रमाण थे जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो वहां पर बताया था दोस्तों कि जो मिडिल पैलिथिक है, मध्य पूर्व पाषाण काल है दोस्तों, विश्व का चार टाइप मैंने आपको वहां बताए थे, टिपिकल मुस्टेरियन, मुस्टेरियन ऑफ एस्यूलियन ट्रेडिशन, डेंटिकुलेटेड मुस्टेरियन और पोंटेनेलियन, तो चार टाइप हैं। हालांकि मैंने इसको आपको बैच में डिस्कस किया है, वहां पर डिटेल में हमने आपसे चर्चा की है। और दोस्तों जो आपका होमो नियंडरथलेंसिस है दोस्तों, इन परंपराओं को जो था मुस्टेरियन उपकरण जो दोस्तों इनके निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ओल्ड वन के बारे में अभी दोस्तों हम लोगों ने बताया ही, और आज के दोस्तों इस सेशन के सबसे अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि द मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एंसेस्टर। मतलब कि दोस्तों कौन से मानव पूर्वज के दोस्तों साथ जो आपका मिडिल पैलियोलिथिक काल है, मध्य पूर्व पाषाण काल है, उसको जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है होमो इरेक्टस, दूसरा आर्किक होमो सेपियंस, एंड एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस, या फिर डेनिश सोवंस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनाटॉमिकली जो मॉडर्न ह्यूमन है दोस्तों आपके जो मिडिल पैलिथिक हैं, कल्चर्स हैं, मध्य पूर्व पाषाण काल हैं, इनसे दोस्तों इनको जोड़ा जाता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और उम्मीद करते दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।